आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जब जैन समाज हम जैसे लोगों को बुलाने लगे और खुद भी सुनने लगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है जैन समाज के जितने भी नियम हैं वो एक आइडियल सिचुएशन के हैं जब समाज एक आइडियल स्थिति में होता है उसको जैन समाज कहते हैं लेकिन किसी भी समाज किसी भी राष्ट्र किसी की देश में एक ऐसा समय आता है जब आपको अपनी मान्यताएं परंपराओं को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए और शत्रु जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में समझाना चाहिए इस बारह साल का यह तीसरा सबसे बड़ा जैन समाज का आयोजन है मेरे दो युवा साथी विशाल गुप्ता जो आपके जम्मू के हैं रूबल पटालिया साहब हल्द्वानी से सा आए हैं मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये लोग पहुँच जाते हैं अपनी बात रखते हैं लेकिन आज का जो पेपर प्रेजेंटेशन रूबल पडलिया साहब का था वो जबरदस्त था और इन सब से एक ही बात मैं कहता हूं तालियां ना भी बजे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तालियों की चिंता नेताओं को होती है आप अपनी बात तथ्यों पे तर्कों पे लॉजिक और फैक्ट के साथ रखें आप ना भी रहें तब भी दुनिया ये कहे कि एक डश बराबर भी इसमें गलती नहीं थी हिंदू समाज के जितने भी ठेकेदार हैं हर गली में पांच संगठन हैं हर मठ में मंदिर में आश्रमों में हजारों हमारे संत महंत हैं उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे हैं जिनको अपनी भूमिका याद है वो निभा भी रहे हैं लेकिन आपके यहां अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की परंपरा बड़ी जबरदस्त है मैं जब जम्मू आता हूं तो जम्मू में शायद ये मुहिम मैंने नहीं शुरू की थी उस वक्त से मेरे एक मित्र हैं युवा हैं और मैं ये मानता हूं आज भी कि जब आप अपने बीच के बहादुर योद्धाओं को पहचानने लगते हैं तो वो बहादुर योद्धा किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं वो किस पार्टी में है किस संगठन में है ये मेरे लिए कभी महत्व नहीं रहा बहादुर में सिर्फ बहादुरी देखनी चाहिए उसकी जाति उसका सरनेम वो किस पार्टी में है वो किस संगठन में है ये महत्वपूर्ण नहीं है जम्मू में मेरे एक बहुत पुराने दोस्त मेरे युवा साथी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जो हिंदू ठेकेदारों ने नहीं किए मठ मंदिरों ने नहीं किए कि कुछ को चढ़ावे से सिर्फ मतलब है कि हमारा चढ़ावा इतना आ जाए कि हमारी दुकान चल जाए इसके अलावा हमें क्या लेना देना है इस आश्रम का संत दूसरे आश्रम के संत को मार रहा है आश्रमों में जो है गुरु को चेला मार रहा है कोई प्रॉपर्टी की जमीन के ऊपर लड़ रहा है ये सारी खबरें आती हैं कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आती हूं भारत के समाज को हजार साल पहले क्या था मैं नहीं जानता वो सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ा है जो हम अपने दौर में देख रहे हैं उसमें यह परंपरा कम से कम सौ साल बाद अब पैदा हुई है हम कभी भी किसी भी युद्ध में ताली तो बजाते हैं लेकिन बहादुर के पीछे खड़े होने से डरते हैं हमें कायर और दलाल लोग पसंद हैं चापलूस और मक्कार पसंद हैं और कोशिश करते हैं कि कमरे में बैठ के उस बहादुर के बारे में बात करेंगे लेकिन जब सार्वजनिक मन से बोलने की जिम्मेदारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ साथ हम भी टारगेट पे आ जाए इसलिए सबसे पहले जो बीमारी सनातनी हिंदू समाज की है वो है लालच किसी से दोस्ती खो जाने की कुछ हानि की कुछ लॉस की इतनी भयानक लालच की बीमारी है कि उस लालच के चलते वो रोज नए नए कहानी कभी गीता के सार को बदल देता है कभी रामायण में कहानी बदल देता है अपने स्वार्थों से इस देश में मक्कार कथावाचक तीन तीन घंटे की कथा करते हैं और उस कथा में राम के अलावा मौला मौला अली अली भी करते हैं ऐसे दलालों को बेनकाब करिए जो मां बहनाएं सुनने जाती हैं कथा वो मौला मौला अली अली करता है उसे राम की कथा सुनने आप गई थी उसने मौला और अली पैदा कर दिया और आप ताली बजा रहे हैं और चार चार करोड़ रुपया देते हैं उसको आप तय करते हैं कि हम दलालों के साथ खड़े हैं हम बहादुरों के साथ नहीं खड़े हैं इसलिए आपके यहां बहादुर पैदा नहीं होते हैं बहादुर बनने से आदमी डरता है इसलिए चुपचाप जो समाज अपनी आस्थाओं और परंपराओं को नफे नुकसान से तय करता है उसका मिट जाना निश्चित है एक भगवान को माना भगवान राम को माना भगवान राम से अपने मन मुराद पूरी नहीं हुई तो मंदिर बदल लेते हैं इस मंदिर में हमारी मुराद पूरी नहीं हुई हमारी बेटी की शादी नहीं हुई उन्हें वर सही नहीं मिला तो इस भगवान को बदलो अब उस भगवान के पास जा रहे हैं और इतने भगवान होने के बावजूद भी आपके इस बीमारी से ग्रस्त थे तब आप एक चांद मियाँ के यहां भी चादर चढ़ाने चले जाते आप अपने अंदर की उस कमजोरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे उनकी नाराजगी राष्ट्र से बड़ी नहीं है ऐसे बहुत सारे दलालों को हम दस साल से देख रहे हैं जो हमारे खिलाफ ही मुहिम चलाते हैं क्योंकि जो काम उनको करना था उन्होंने नहीं किया इसलिए जब रूबल पढ़ लिया विशाल गुप्ता यह कहते हैं कि जब समय आया मनुष्य के जीवन में भी एक डिसाइडिव टाइम आता है हम कहते हैं कि एक ऐसा समय आ गया है कि जब मैं जो काम करना चाहता हूं वो हो जाता है मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जरूर आता है ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में एक पीरियड आता है उस वक्त उस घड़ी अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आने वाली नस्लें सुधर जाती इसलिए मैं ये मानता हूं कि यह कोई सफर नौकरी छोड़ के शुरू करने का कोई ताली बजवाने का कोई नेता बनने का कोई पॉपुलर होने का नहीं था यह सफर हमने अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया और ना मैं अपनी मर्जी से जम्मू में आपके बीच में खड़ा मेरी जहां पैदाइश हुई जहां मैंने शिक्षा ली वहां कोई मंदिर मठ हिंदू पूजा पाठ आश्रम था ही नहीं यह कोई डेस्टिनी ने तय किया है कि एक बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा होता है रोजा नमाज ईद बकर कलमा सिपारा कुरान जिसने पढ़ी हो उसको इतने लंबे सफर के बाद उस डेस्टिनी ने यहां सनातन पे बात करने के लिए खड़ा कर दिया है इसलिए किसी को ये लगता हो कि कोई उठ के आ गया है सत्ता बदल गई है सत्ता तो सत्तर सालों से बदल रही थी और कोई मैं समझता हो कि मैं ये हूं वो कुछ भी नहीं है भारत राष्ट्र के जीवन में ये जो घड़ी है ये जो मूवमेंट है ये जो क्षण है इसने हर जगह कुछ लोगों को चुना और उनसे वही काम वो करवा रहा है वही शक्ति करवा रही है आप यहां अपनी मर्जी से नहीं बैठे क्या आपको लगा कि आज टाइम पास करने के लिए चलिए सुनते हैं जो यहां आने के बाद भी यहां नहीं है उनके भाग में यह नहीं होगा हम सब यहां किसी सरकार के डर से कोई तनख्वाह बढ़ जाएगी मेरी स्पीच सुनने से यहां आने से किसी का कद बढ़ जाएगा यह नहीं होने वाला बल्कि मुझे इतनी उम्मीद है कि जिस सच्चे मन से आप यहाँ बैठे हैं अगर आप यहाँ से जाएंगे और जितनी बातें रूबल साहब ने अपने अंदाज में रखी हैं विशाल जी ने रखी हैं मैं कुछ रखूँगा उसका एक परसेंट भी अगर आपके यहाँ चला गया तो रात में नींद नहीं आएगी और अगर नींद आती है तो फिर आप खाम खां अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं यह मुमकिन ही नहीं है इसलिए अंग्रेजी की एक कहावत है स्ट्राइक वाइल्ड आयरन इज हॉट इस राष्ट्र के जीवन में वो समय आ गया है और जब मैं बहादुर की बात करता हूं तो जम्मू के लोगों के सामने बहुत साफ शब्द में कहता हूं आपके बीच में बहादुर है लेकिन आप उसके साथ नहीं खड़े हैं आप उसकी पार्टी आप उसकी बैकग्राउंड मुझे इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा कम से कम आज की राजनीति में चोला ओढ़ के हिंदुत्व के दलालों से कई हजार करोड़ बिना एक युवा साथी आपके बीच में मौजूद है जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में भू माफिया का काम कर रहे थे वो दलालों को बेनकाब कीजिए हो सकता है कि किसी से जाति संबंधों में से किसी का कोई फायदा पहुंचा दिया होगा या निजी फायदे के लिए सत्ता में आपने नहीं बैठाया था पूरे जम्मू कश्मीर की सत्ता को बदलने के लिए बैठाया था इसलिए मैं मेरे भाई की तरह हैं और क्योंकि आज के दौर में भावनात्मक बातें रेटोरिक्स इमोशनल बातें जज्बाती बातें करके वोट तो लिया जा सकता है सरकार तो बनती है लेकिन राष्ट्र नहीं बचता है जिस शख्स ने एक कानून जो कई सालों से था बड़े बड़े प्रवचन देने वाले पांच पांच घंटे के प्रवचन देने वाले उल जलूल बातें बेसर पैर की बातें आज के युवा के सामने कर रहे हैं जो युवा इस संचार क्रांति के दौर में यहीं बैठे बैठे पता कर लेगा कि मन से साहब बहुत भाषण दे रहे हैं ये चार बातें गलत कह रहे हैं ऐसे दौर में भी उनका इतना हाई कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी बको। क्योंकि उनका स्वार्थ राष्ट्र से बड़ा है लेकिन ड्रामा यह है हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं जब जरूरत पड़ी और उनकी तरफ देखा तो उनका भोंपू बंद था जब हमारी बहन नुपुर शर्मा को जिहादी पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू की मस्जिद पे खड़े होकर के से जुदा के बारे में कह रहे थे उन दलालों के मुंह से एक लाइन नहीं निकली कि नुपुर हमारी बहन है नहीं निकले किसी मंदिर से किसी मठ से टेलीविजन में बयान देने वाले बहुत से चोगा पहने हुए लोग कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिए आपके यहां नुपुर शर्मा पैदा नहीं होगी कमलेश तिवारी पैदा नहीं होगा उनके हत्यारों को आप भूल सकते हैं लेकिन कमलेश तिवारी की माने लखनऊ की सड़कों पे खड़ो कर जब चूड़ियां तोड़ी तो कोई हिंदू नहीं गया कि बेटा तुम्हारा चला गया है लेकिन हम जिंदा हैं, कोई नहीं गया जब आप किसी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा और हम सबकी बारी तय है कोई ऐसा नहीं कि कोई बचने वाला है पूरी दुनिया में भारतीय समाज एकमात्र समाज है सनातनी हिंदू समाज एकमात्र समाज है जो सत्ताओं पर निर्भर है इसलिए आप हर चीज सत्ता से चाहते हैं वो करें प्रवचनों में व्याख्यानों में आज तक आपको यही डेफिनेशन नहीं पता कि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं देश एक भूमि का टुकड़ा है उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना है उस भूमि के टुकड़े को चलाने के लिए पुलिस है उसमें जुडिशरी है उसमें यूजीसी है ये तमाम सारे अंग देश के हैं राष्ट्र के नहीं हैं और सारे अंग जो देश को चलाते हैं वो सरकार द्वारा पेड होते हैं तनख्वाह लेते हैं तब करते हैं और राष्ट्र क्या है राष्ट्र का सरकार से कोई लेना देना नहीं है कायर डरपोक और लालची समाज कभी भी न राष्ट्र बचा सकता है न देश बचा सकता है। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से परंपराओं से सरोकारों से मान्यताओं से चलता है और राष्ट्र का सर्वोच्च पद हमारे यहां शंकराचार्य के पास होता है जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है शंकराचार्य के हक में है देश का प्रधानमंत्री अगर शंकराचार्य को गाइड कर रहा है तो समझ लीजिए कि समाज राष्ट्र सड़ चुका है आप जब प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मंदिर भी बनवाएगा और मंदिर की रक्षा करवाएगा तो समझ लीजिए कि आपका अंत आ गया है आप जिंदा हैं चौरासी करोड़ हैं पिचासी करोड़ हैं आप जिंदा लाशों की तरह चल रहे हैं एक घटना हुई दस सेकंड की टेलीविजन पे खबर देखी अच्छा कलकत्ता में हुई थी ठीक है अच्छा कश्मीर में हुई थी दस सेकंड से ज्यादा आपके जहन में नहीं रहती और ये लगातार चल रहा है आपको लगता है हम यहां हैं कलकत्ता में हुई थी यहां क्या फर्क पड़ना है आप वो लोग हैं जब तक आपके दरवाजे पे शत्रु ना आ जाए तब भी आप ये कोशिश करते हैं कि कोई मंत्र पढ़ने से चला जाएगा मंत्र आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए होते हैं मंत्र पढ़ने से शत्रु नहीं जाता शत्रु को गोली मारनी पड़ती है तभी मरता है ये किस मठ में और किस मंदिर के अंदर कभी आपने किसी से सुना ही है वहां तो नए नए भजन बनाए जाते हैं कि चंदा कैसे बढ़ जाए हमारे मंदिर पे बस इतने ही काम है कई मंदिरों के ऊपर तो हाल यह हो गया है कि पंडित जी बिजी हैं उनको पूजा के अलावा सारे धंधे करने हैं लाउड स्पीकर के ऊपर टेप रिकॉर्डर के ऊपर भजन लगाए और चले गए और शाम को पैसे आए तो चल दिया यही उनका हिंदुत्व है आप शत्रु से नहीं सीखते आप दुनिया में नहीं इस ब्रह्मांड में आपसे ना पहले कोई था ना आपके बाद कोई होगा आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं उसको सरल भाषा में समझाऊं सनातनी हिंदू को कौन डरा रहा है जैसे सूरज को जुगनू डरा रहा हो आपकी स्थिति जुगनू का जीवन मात्र 24 घंटे का होता है लेकिन रोज जुगनू आपके सूरज को चुनौती देता है और सूरज उसे कई कारण देता है नहीं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं जम्मू में जो हीरो है जो आपकी बात रखता है और वो बात किसी जीतने चुनाव के लिए नहीं रखता जब ना उसने कोई दल बनाया था न कोई संगठन बनाया था मैं तब से उसे जानता हूं इसलिए कह रहा हूं उसका नाम है अंकुर शर्मा वो किस पार्टी में है किस संगठन में है ये मेरा विषय नहीं है अंकुर शर्मा ने जब रोशनी एक्ट की लड़ाई लड़ी तो ये तो आपके बीच में आपका अपना बेटा है जरा कुछ पूछिएगा कौन हिंदू ठेकेदारों ने उसके टांग खींचने की कोशिश की कौन उसके विरोध में खड़े हुए क्योंकि उनकी दलाली बंद हो रही थी किसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेशनी एक्ट का विरोध किया किसने भारत के इस क्षेत्र में जो आपका सबसे बड़ा वैष्णो देवी का मंदिर है उस मंदिर ट्रस्ट में जिहादियों का विरोध किया हिंदुओं के ठेकेदारों ने अंकुर शर्मा का विरोध किया यह घर के अंदर हिंदुत्व घर के अंदर सनातन बाहर दलालों से आपकी दोस्ती ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए आपकी प्रतिक्रिया जब नहीं आई जब दिल्ली से चल करके एक जिहादी जो 2007 में आपका चीफ मिनिस्टर था जो कभी कांग्रेस का गुलाम था नबी से आजाद था आज कांग्रेस से आजाद है और नबी का गुलाम है वो कहता है हम आते ही रोशनी एक्ट लागू कर देंगे क्योंकि उसकी हिम्मत हुई कि पूरा समाज चुप बैठा हुआ है एक युद्ध उसने लड़ा उस लड़ाई के बाद आगे आप नहीं बढ़े ये संकट है और इस सब के पीछे है आप में लालच देवी की पूजा करने से सोने की थाली आपके घर में नहीं आएगी देवी आपको शक्ति दे सकती है सोना नहीं दे सकती अपने योद्धाओं को पहचानिए। यह घड़ी बहुत लंबी नहीं है एक आदमी ने ठेका नहीं ले लिया है वो आएगा बस वही करेगा सब बात पे वही बोलेगा तो यहां तिरुपति का मंदिर भी वही बनाएगा हमारे अपने मंदिरों पे चढ़ावा जो जा रहा है वो कहां जा रहा है जो रूबल ने पूरी आपकी डिटेल रखी आपके सामने हम किस चीज के चक्कर में भाग रहे हैं हमको यही समझ में नहीं आ रहा है शर्मा जी के घर पे दो गाड़ियां खड़ी है तो ठाकुर साहब के पेट में दर्द है और ठाकुर साहब के घर का दो चार मंजिल का मकान है तो शर्मा जी के पेट में दर्द है इस बीमारी से बाहर निकलो साइंटिफिक लॉजिक है कि जो मनुष्य लालची होता है लालच की प्रवृत्ति होती है कि लालची मनुष्य कभी भी अपने शत्रु को से लड़ता नहीं है लालची मनुष्य कायर होता है और कायर आदमी अपने शत्रु से विरोध नहीं करता है उससे समझौता करने की बात जितने भी दलाल आए यहां और वहां में किसी का नाम लेना नहीं चाहता बहुत लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा अगर कोई बहादुर बहादुरी से बात कर रहा है और सौ साल की पांच सौ साल के आगे देख रहा है तब भी हम क्योंकि बहुत बिके हुए थके हुए से लोग हैं कि पड़ोस में जफर भाई रहते हैं कहीं नाराज ना हो जाएं। आपकी जफर भाई की नाराजगी रात से बड़ी है तो आप जफर भाई के साथ ही रहिए फिर निजी रिश्ता किसी से हो सकता है वो एक अलग बात है निजी रिश्ता राष्ट्र तय नहीं करता है इसलिए आपके यहां इतने कानून बने इसकी चर्चा कथाओं में नहीं हुई मां बहने जाकर के पांच पांच चार चार करोड़ रुपया देकर के उसको आती है मुरारी बापू जैसे फ्रॉड को लेकिन अंकुर शर्मा अपनी लड़ाई इस राज्य के लिए लड़ना चाहता है युवा है पढ़ा लिखा है लॉजिक पे तर्क पे रीजन पे फैक्ट के साथ फिगर के साथ अपनी बात रखता है तो आप उसके बारे में पूछना नहीं चाहती कि अंकुर तुम्हें कुछ चाहिए हो सकता है अंकुर को कुछ ना चाहिए लेकिन ये जब जब पूछेंगे ना आपसे तो उसमें करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाएगी उसको लगेगा कि मेरी बात मैं ये तमाम सारे लोग वकील नहीं बन सकते लड़ नहीं सकते लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से मेरे साथ खड़े हुए हैं यही बहुत बड़ी बात होती है आप किसी की तारीफ भी पीठ पीछे करने में बहुत कंजूस हैं और इसमें मैं आप कह रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि मैं जम्मू के लोगों से कह रहा हूं ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है यह भाषण अभी दूर दूर तक जाएगा मैं सनातनी हिंदू समाज की बात आप तारीफ करने से इतने कतराते क्यों हैं यार तारीफ तो इतनी करो कि दूसरा यह कहे कि यार अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता ऐसे भी योद्धा हैं जो नौकरी करते हैं टेलीविजन में करते हैं जो उस मालिक की लाइन है उसको भी चलाते हैं लेकिन उस लाइन के बीच में से अगर उनको आधी लाइन भी राष्ट्र के लिए बोलनी पड़े तो वो इसकी चिंता नहीं करते कि नौकरी नहीं रहेगी ऐसे योद्धा में ये जो पीली पगड़ी में पीछे साहब बैठे हैं ये बहुत जबरदस्त आदमी है जो टाइम्स नाव में नौकरी करते हैं दत्ता साहब मेरी इनसे दोस्ती इसलिए नहीं है कि ये किसी बड़े टेलीविजन में नौकरी करते हैं मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया लेकिन मैं जब इनकी रिपोर्टिंग देखता हूं तो मुझे उसके बिटवीन द लाइंस मुझे सनातन समझ में आता है इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर और यह परंपरा कोई आज की नहीं है हमने कभी सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए हम सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए हम पटेल के साथ नहीं खड़े हुए हिम मक्कार नेहरू के साथ खड़े हुए और ये कभी सवाल नहीं पूछा कि नेहरू जी का चौदह नवंबर को जन्मदिन हुआ था आप लोग कश्मीरी के नाते इमोशनल मत होइएगा नेहरू जी को लेकर के कोई इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता क्योंकि उनसे मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है नेहरू जी प्रधानमंत्री थे पहले प्रधानमंत्री थे और आपको आज तक यही नहीं पता कि उन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी लेकिन हम चला रहे विजनरी थे उनकी विजन कहां तक जाती थी सारी महिलाएं जानती हैं उसमें कौन सी ऐसी बात है कोई छुपी उनकी किताबों से पता चलता है कोई हमने तो नहीं लिखी है आप छह एक घटनाएं हैं जिनका सिलसिला मैं आपको बताता हूं जिसके कारण हम बहुत सारे कष्ट भोग रहे हैं 1946 की छह घटनाओं को अगर आप क्रम बंद करेंगे तो आपको समझ में होगा कि जो आज आपके साथ हो रहा है वो यही होना था जनवरी 1946 में ब्रिटिशर्स ने यह ऐलान किया कि हम शीघ्र ही भारत को सत्ता सौंपने वाले हैं जनवरी में यो कहते हैं और मार्च के अंदर पूरे देश में चुनाव होता है पंद्रह प्रांतीय असेंबलियों का बहुत कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों ने खेल किया और उसमें जो उनके यहाँ दलाल यहां बैठे थे हिंदी में दलाल शब्द ज्यादा अच्छा लगता है ताकि उसका इम्पैक्ट पड़े कि दलाल कौन होते हैं वो दलाल कोठों पे भी होते हैं वो सत्ताओं में भी होते हैं मार्च 1946 में चुनाव हुआ प्रांतीय असेंबलियों का देश में पंद्रह प्रांतीय असेंबली थी और उनकी कुल संख्या सीटों की एक थी उसमें से चार सौ बानवे सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी चुनाव हुआ चार सौ बानवे सीटों में से चार सौ उनतीस सीटें मुस्लिम लीग ने जीती बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती मुसलमानों को उस दिन यह पता चल गया था कि हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान जिसका रेजोल्यूशन उन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग की सभा में पारित किया था और जिना उस वक्त अध्यक्ष था पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को लाहौर के सब सभ... उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था रेजोल्यूशन में और उसके बाद उन्होंने ये तैयारी की और उनको जब ये पता चल गया कि हम वोट के माध्यम से तो पाकिस्तान नहीं ले सकते तो देखिए कि किस तरीके से ब्रिटेन से जो जो चीजें भेजी जा रही थी उसको यहां उन लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया चुनाव हो गया अप्रैल आया तो जिनको हम पिताजी कहते हैं हमने मां का पति हो सकता है एक तरफ भारत मां है हमारी और ये पिताजी हैं पिताजी का कोई हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता पिछले 20 साल से रिसर्च में कि इनको कब पिता बनाया गया ना हमारी मां ने बताया वो पिता हैं, चलिए हम मान लेते हैं पिता हैं आप सोचिए कि पिताजी ने किसके कहने से खामोशी के साथ अप्रैल में जब कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है क्योंकि उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वैसे दो साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता था लेकिन क्योंकि जिन्होंने 23 मार्च 1940 को ये स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के बाद कि कांग्रेस पार्टी के जो मुसलमान हैं वो नकली मुसलमान हैं असली मुसलमान तो मुस्लिम लीग के साथ हैं यह कहने के बाद फूल वाले चचा को लगा के मुझे मेरी छवि खराब होने वाली है उन्होंने मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया और मौलाना 1940 से 1946 तक देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और अप्रैल में यह घोषणा की कि नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और उस अधिसूचना के बाद इसलिए मैंने कहा कि जब आप पार्टियों के नजरिए से देखेंगे क्योंकि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में ना कोई पार्टी है ना कोई संगठन है मेरे पूरे डिस्कोर्स में राष्ट्र है इसलिए मुझे किसी की चिंता नहीं होती किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा ना ही किसी से मेरी कोई पर्सनल इल विल है मैं उन कांग्रेसियों को धन्यवाद करता हूं जो अननोन हैं, जिन्हें ना आप जानते ना मैं जानता लेकिन मैं नहीं भी जानता तब भी हर मन से कहता हूं वो कौन महान कांग्रेसी थे जिन्होंने नेहरू को 1946 में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं बनाया तब पिताजी ने अपने पिता होने का नाजायज फायदा उठाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि नेहरू चुनाव लड़े और नेहरू जी को बाद में शामिल किया कांग्रेस पार्टी ने अपना उन्हें अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया लेकिन जब पिताजी अड़ गए क्योंकि उनकी तार टेलीफोन इंग्लैंड से आ गया था तो पिताजी ने नेहरू जी को उम्मीदवार बनवा दिया लेकिन फिर मैं कहता हूं आज भी मैं कहता हूं ये बात कि उनके कौन लोग हैं रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन यह बात उन जो लोग रहे होंगे वो आज नहीं है इस दुनिया में मैं किसी को नहीं जानता लेकिन अगर कभी कोई किसी इतिहास की बात होगी तो यह जरूर कहेंगे कि कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की थी अप्रैल में घोषणा हो गई और उसके बाद में चुनाव के लिए पंद्रह प्रांतीय असेंबलियों से जब पंद्रह वोट डाले गए तो ताज्जुब होगा आपको कि पंद्रह में से जो गांधी जी के सबसे नजदीकी थे बहुत समझदार थे कपड़े कम पहनने से आदमी ईमानदार नहीं होता है गांधी जी ने यह जानबूझ करके उनके सबसे क्लोजेस्ट आदमी थे जो उनके हर समय जब अफ्रीका गए तब भी उनके साथ थे और मैं उस आदमी को इसलिए याद दाद देता हूं उनके परिवार के लोग जीवित हैं नहीं जीवित हैं मैं नहीं जानता इस किताब को ढूंढने में साले सालों लग गए मुझे तब तक मैंने कभी सार्वजनिक मंचों से उसको बोला नहीं कहां कहां से मुझे वो रेफरेंस मिले और उसके बाद में पुते पता चला कि जो उनके सबसे नजदीकी आदमी थे उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी गांधी जी कोई बहुत भगवान नहीं थे मैं इस मंच से कोई शब्द कर दूंगा तो कल से यही चलेगा पूरे देश में गांधी जी ने जान मूझ कर आचार्य जेपी कृपलानी को पंद्रह वोट जो पड़े थे पंद्रह प्रांतीय असेंबलियों के उनकी गणना के लिए अध्यक्ष अस्थायी तौर पे बनाया कि आपकी देखरेख में ये प्रोसीडिंग होगी और नए चुनाव की चीजें आपको देखनी है कृपलानी को बनाया क्योंकि उनको लगता था ये मेरा सबसे खास आदमी है लेकिन मैं कृपालानी को आज भी सल्यूट करता हूं वो बने लेकिन गांधी की बेईमानी नहीं होने दी पंद्रह पेटियां खुली और जब उसमें से वोट निकले तो एक वोट आचार्य जेपी कृपलानी को मिला एक वोट आज के भाषा में नोटा को मिला और बारह वोट सरदार पटेल को मिले कांग्रेस पार्टी के उन तमाम प्रांतीय असेंबलियों के लोगों ने भी नेहरू को वोट न दे करके ये बता दिया कि हमारा हीरो पटेल है लेकिन क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से डुगडुगी चल रही थी देख रेख में लोग बैठे थे गांधी ने चिट लिखी और कहा कि पटेल इस्तीफा दे दो बार चिट लिखी बेहयाई के साथ अगर कोई घर में बड़ा आदमी बेहया हो जाए तो छोटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसका विरोध करना वो बेहया हुए और उसके बाद में कृपलानी ने जब पटेल को दूसरी चिट दी तो पटेल ने वो चिट फाड़ी और चले गए क्योंकि उनका भाव ऐसा नहीं था कि वो गांधी को अपने सामने बुरा भला गए नाराजगी के साथ चले गए और तब फूल वाले चचा इस देश के अध्यक्ष बने और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉबिल नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई आचार्य जेबी कृपलानी को मैं इसलिए सच्चा आदमी मानता हूं उन परिस्थितियों में वो कैसे रहे होंगे क्या क्या उनकी मजबूरियाँ रही होंगी कितने दबाव होंगे किस तरीके के डर होंगे लेकिन आचार्य जे बी कृपलानी अपने जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम ये कर गए कि उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ इन इज थाट और उस किताब के पेज नंबर दो सौ अड़तालीस दो सौ उनचास और दो सौ पचास पर गांधी जी की एक गंदगी लिख के गए हैं कि तो उन्होंने ये ये किया वो किताब भारत सरकार ने छापी और गायब हो गई क्योंकि उनके ही तो सत्ता में बैठे लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में किसी ने पीडीएफ पीडीएफ उसकी कॉपी मिली और उसको फिर हम लोगों ने पूरा पढ़ा तब पता चला कि ये जघन अपराध कोई ऐसा नहीं है तो ये जो कर रहे हैं उनके वंशज जो हैं जो बताते हैं आपने नेहरू भेजा था कब गांधी बने पता ही नहीं चला इसलिए जब आप उन बहादुरों की बात नहीं करेंगे समाज नहीं करेगा तो सत्ता में लोग बैठे हुए अपने स्वार्थों के हिसाब से चीजें तय करते हैं और हम 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ है खूब ढोल बजा रहे हैं स्कूलों के अंदर 15 अगस्त का झंडा फहर रहा है भारत माता की जय कुछ लड्डू वड्डू हमारे जमाने बढ़ते थे वो भी खत्म हो गए आप दिल्ली में तीन मूर्ति जहां किसी के जाने को इजाजत नहीं थी या नहीं जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में उस जब उस तीन मूर्ति में रहे और जब उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो तीन मूर्ति में रहने नहीं दिया उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है वो वहां नहीं रहे लेकिन समय में मैंने वही कहा कि ये मूवमेंट आ गया है आज उस तीन मूर्ति पर राष्ट्रवादियों का कब्जा है इसलिए वो तमाम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जो आपको झूठ की घुट्टी में पिलाए गए थे आप सोचिए कि 1946 में जो सरकार बनी जिसे आप अंतरिम सरकार कहते हैं उसके मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को पद दिए गए उस वो कॉपी यहां से ग्रेट ब्रिटेन गई और किंग की अप्रूवल के बाद उन्होंने शपथ 15 अगस्त उन्नीस सौ की डेट कहां पैदा हुई थी किस कारण से 15 तारीख को यह दिया गया कुछ किसी को नहीं पता 15 अगस्त को जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉयस रॉय था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, वो 15 अगस्त उन्नीस को सुबह सुबह 10 बजे देश का पहला गवर्नर जनरल बन गया आजाद भारत का इसलिए आपकी शत्रुता किसी से हो सकती है लेकिन शत्रुता और मोहब्बत में एक ही फैक्ट है वो सच की बुनियादों पे हो पाकिस्तान को आप कुछ भी कह सकते हैं पाकिस्तान में कहा गया कि लॉर्ड माउंट आपका गवर्नर जनरल का इसका इस दो कौड़ी के आदमी को नहीं मानते हम आजाद मुल्क हैं हम अपना गवर्नर जनरल तय करेंगे और उन्होंने अली मोहम्मद जिना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया हम बहुत महान लोग थे हमने एक चोटे को पहला गवर्नर जनरल बना के उसकी ताजपोशी की और यहीं तक नहीं किया जम्मू में नेहरू के बारे में बोलना आसान काम नहीं है बहुत बच्चे हैं उनके ऐसे ही नहीं चिल्ड्रंस डे मनाते थे चचा के बच्चे बहुत हैं पता नहीं कहां कहां हैं पंद्रह अगस्त उन्नीस को भारत आजाद नहीं हुआ है जिस दिन भी हिंदुस्तान का कोई आदमी मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा उस दिन मेरा आखिरी भाषण होगा और आज अवेलेबल हैं सारी चीज़ें मैं किसी बुनियाद पे नहीं कहता जब तक डॉक्यूमेंट इकट्ठा न कर लो इसलिए मैं आपके सामने रखूँगा ताकि कल कोई ये न पुष्पन जी को आप सुन रहे थे आप तो बड़े चैनल में काम करते हैं दत्ता साहब आपके सामने पुष्पन जी झूठ बोल के चले गए मैं ये मौका नहीं चाहूँ यहाँ बैठा हर एक आदमी इस जब सभागार से बाहर निकले और मेरी बात को आपस में शेयर भी करे तो उसके साथ फैक्ट फिगर टाइम डॉक्यूमेंट होना चाहिए यह डॉक्यूमेंट है इसमें फूल वाले चचा के साइन हो रहे हैं और यह चिट्ठी लिखी गई है ये जो हमने डॉक्यूमेंट निकाला है ये जो क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे उनकी कैबिनेट मीटिंग का पर्चा है ये वहां से निकाला हुआ है और नीचे उनके साइन हो रहे हैं चचा के ही हैं और इस पर नीचे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और इस चिट्ठी के ऊपर डेट पड़ी हुई है 28 ट्वेंटी अप्रैल 1948 इस चिट्ठी पर डेट पड़ी हुई है नीचे भी डेट पड़ी हुई है राइट इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है अंकुर भाई कि प्राइम मिनिस्टर यह चिट्ठी लिख रहे हैं क्लेमेंट एटली को 1948 में और यह फरमा रहे हैं इसका सार बता देता हूं कि लॉर्ड मॉन्ट का ट्रांसफर एज ए गवर्नर जनरल भूटान हो गया है महामहिम मैं आपसे अनुरोध करता हूं आपकी अनुमति चाहता हूं कि लॉर्ड माउंट बैटन के बर्मा में जाने के बाद मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपाल को भारत के गवर्नर जनरल बनने की मुझे अनुमति दी जाए यह आजाद भारत का प्राइम मिनिस्टर 1948 में ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा है ये उनके मिनट से मीटिंग है आप आजाद हैं कहां पर थे आजाद आप आजाद नंग रखने से आजाद हो गए थे आप ये सवाल बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए ताकि हम आगे की बात करते लेकिन गाड़ी वही अटकी हुई है इसलिए भारत के संविधान की जिसकी शपथ ले लेके लोग पागल हुए जा रहे हैं भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है ये जो पुलिस वाले खड़े हैं पूरे देश की जो पुलिस है ये पुलिस आज भी 1860 के कानून से गवर्न हो रही है यह पुलिस में एविडेंस एक्ट जो है आज भी 1861 के कानून से गवर्न हो रहा है और सबको यह नहीं पता कि यह पुलिस की उत्पत्ति हुई क्यों थी ये थाने क्यों बनाए गए थे मैं आप कहेंगे कि मैं इतिहास की बात में क्यों जा रहा हूं मेरे भाई अगर बिल्डिंग सत्तर साल में हिल रही है तो छत की कमी नहीं है नींव में गड़बड़ है और इसको अगर समझते हैं कि कुछ दिन और चल जाए तो एक दिन ये सौ पचास लोगों की जान लेगी इससे अच्छा है कि इसको अच्छी हालत में तोड़ करके दोबारा से नींव ऐसी बनाए जो सौ साल तक रहे आप नहीं तोड़ेंगे कोई और तोड़ेगा अब आपके नहीं हमें तो मजे लेने यार हमें क्यों बिजी कर रहे हो बड़ी मुश्किल से तो हमें कुछ मजा लेने का वक्त आया नहीं जिन बच्चों को आप मिनरल वाटर पिलाते हो जिन बच्चों को आप आंधी और धूप से बचाने के लिए क्या क्या जतन करते हो पॉल्यूशन भर जाता है तो घर के एसी को का ब्लोअर चला करके आप पॉल्यूशन इतना आप उनकी केयर करते हो लेकिन कभी एक बार ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद इस झूठ के, के साथ इन बच्चों को कितने दिन तक सामना करना होगा कि जो चैलेंजेस हमने इनके सामने देखे थे जो हमारे सामने थे उसमें से कुछ कम नहीं किए आपने रास्ता बदल बदल के यहां से उठे वहां चले गए वहां से उठे वहां चले गए फिर कलकत्ता चले गए कलकत्ता से कोई कश्मीर आ गया यहां से भाग के कोई बॉम्बे चला गया भागने वाली कौमें जिंदा नहीं रहती उनकी मौत निश्चित है हंड्रेड परसेंट निश्चित है यह किसी मजहब का झगड़ा नहीं है यह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है जो अमेरिकन साइंटिस्ट हेमिंगटन लिख के गया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वो पढ़ लीजिए उसमें यही लिखा है बताया गया यहां से मैं भूल जाता हूं कनम सॉरी सनी ये जो आपको बीमारी लग गई है सबका दिल जीतना है हम इतने लंबे समय से दुनिया का कुत्ते का बिल्ली का सांप का भी दिल जीतते हैं आप जिंदा तब रहेंगे जिस दिन ये तय करेंगे कि जिसको हमारे साथ रहना है वो हमारा दिल जीते हम किसी का दिल नहीं जीते आपको लालच क्या है भाई ये रुपया पैसा यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यह नहीं बचाएंगे कश्मीरी पंडितों के पास भी था कश्यप ऋषि के वंशनों के पास ज्ञान था यही भारत के सनातन के बहुत सारी चीजें लिखी गई कश्यप ऋषि की धरती पर रहने वाले उनके वंशजों को दो दो कौड़ी के जिहादी छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए उन्होंने मार के भगा दिया ना सरकार आई ना पुलिस आई ना सेना आई पुलिस का मैंडेट होता है पुलिस उस चार्टर से अलग काम नहीं कर सकती सेना का मैंडेट होता है सेना का आदमी का मैंडेट है कि वो बॉर्डर को सुरक्षित रखेगा मेरी पत्रकारिता 88 की है इसलिए मैंने आंखों से बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत सारी बातों को जानता हूं जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा था मात्र वहां से 500 मीटर की दूरी पर महिलाओं के साथ रेप हो रहा था उस फौजी ने अपनी बंदूक इधर नहीं की क्योंकि उसका मैंडेट नहीं था हम डिसिप्लिन हैं फौजी साहब अगर इस देश में उस महिला का रेप हो रहा था तो तुमको जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए नहीं खड़ा गया था समय आने पर मैंडेट कानून संविधान को किनारे रख देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए यह सब हमसे हैं हम इनसे है, इन नहीं हैं। यह संविधान मेरे लिए है मैं संविधान के लिए नहीं बना हूं उस संविधान में धारा थर्टी क्यों है हम कितनी बातों पे भगवान राम पे सवाल उठाएंगे सीता पे सवाल उठाएंगे अलग अलग क्योंकि हमारे पास अपने आप को इंगेज करना है रियल इश्यू पे बात करेंगे तो पिताजी का झूठ पकड़ा जाएगा इसलिए बड़ी बड़ी बातें मैंने कहा ना बड़े बड़े प्रवचन इतने मठ मंदिर हमारे देश में है दुनिया में नहीं है चार शंकराचार्य हैं दुख की बात है ये जरा एक सेकंड के लिए अपने सोचिए हमारी आस्थाओं को में कोई बदलाव सनातन हिंदू सभ्यता में सनातन हिंदू सरोकारों में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है कहीं कोई क्लैश हो रहा है उसके लिए शंकराचार्य है आखिरी अदालत शंकराचार्य का कहा हुआ आखिरी शब्द मेरे लिए मान होगा क्योंकि शंकराचार्य मेरी आस्थाओं को मेरी परंपराओं को मेरे सरोकारों को आखिरी उसके पास है लेकिन दुख यह है चवन्नी छाप चौराहे चौराहे पर जो कहते हैं कि हमने सन्यास ले लिया है लेकिन पार्टी की टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं आपके अंदर का जमीर मर चुका है मंदिर यहां से लेके वहां तक ये आवाज एक आईआईटी खड़गपुर के टॉपर जे साईं दीपक को इसलिए उठानी पड़ी लाखों मंदिर हजारों हजारों साल पुराने मंदिरों में जिस पुजारी को यह डिमांड उठानी चाहिए थी उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस देश में कैसे मुमकिन है कि अगर 76 में रात के अंधेरे में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के तहत अगर संविधान के प्रियम्बिल में दुनिया के सारे संविधान पढ़ लीजिएगा संविधानों में समय समय के अनुसार कुछ बदलाव होते रहते हैं लेकिन प्रियम्बिल जो होता है वो वर्जिन होता है वो अक्षुण होता है उसमें बदलाव नहीं होता अपने स्वार्थों के लिए 76 में क्योंकि उनके पास रशा का दबाव था और ये मैं नहीं कह रहा रशा की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है केजीबी मिस्रोस की भी उसका डायरेक्टर है उसने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में 35 एमपी संसद में हमारे पेरोल पर थे सत्ताओं को क्या करना है हम बताते थे इसलिए उस दबाव में 76 में रात के अंधेरे में फोर्टी सेवन अमेंडमेंट आनंद फानन में किया और प्रेम्बिल में आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द जोड़ा मेरा विरोध नहीं है मैं ये फैक्ट बताना चाहता हूं लेकिन उस पर मैं अभी कोई अपना विरोध नहीं दर्ज करना चाहता मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूं जब भारत का संविधान सेकुलर हो गया क्योंकि 99% परसेंट लोगों को यह पता ही नहीं है कि इस सेकुलरिज्म की अवधारणा के पीछे कहानी कहां से आई क्यों आई क्या बैकग्राउंड थी इस शब्द का मतलब क्या है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई इससे कोई मतलब नहीं है आज कह दिया तो देश सेकुलर हो गया कल किसी ने कह दिया कुछ और हो गया तो हम समाजवादी हो गए हम आदमी हैं भेड़ बकरी हैं उस सेकुलर शब्द के बावजूद भी मैं भारत के संविधान को सेकुलर मान भी लेता हूं तो ये तो सवाल पूछता आदमी जो हम लोग हर चीज पे बहस करते हैं घंटों मैंने देखा है बहस हो रही है कुतर्क और अपने अपने स्वार्थों को बचाने के लिए सड़क पे खड़े होकर हम कुतर्क करते हैं अपने दो कौड़ी के नेता को बचाना है तो उस पर कुतर्क करे जा रहे हैं तो नेता वेता आते हैं जाते हैं यार पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं सरकारें आती हैं चली जाती हैं सिर्फ राष्ट्र रहता है हमेशा ये भारत भी कई बार टूटा है भारत के टूटने से सनातन सभ्यता नहीं टूटी आपका शारदा माता का मंदिर कश्मीर का वहां चला गया है चला गया है ना आप नहीं गए हैं मैं जा चुका हूं मेरी दस साल की नौकरी है आप बलूचिस्तान नहीं गए लेकिन उसी बलूचिस्तान में हिंगला माता के मंदिर में आज भी कुछ हिंदू दिया जलाते हैं डेली वो मेरी आस्था है फिजिकल तौर पे आस्था को नहीं बांधा जा सकता आस्था यहां से लेके दुनिया के किसी कोने में भी हो अगर आपकी आस्था जिंदा है तो सनातन जिंदा है लेकिन आपने अपनी आस्थाओं का समझौता संविधान से कर लिया है तो अगर भारत सेकुलर हो भी गया मान भी लो थोड़ी देर के लिए मान लो तो मेरा सवाल यह है कि सेकुलर भारत का मतलब यह है कि भारत का संविधान सबको बराबर मानता है ना कोई माइनॉरिटी है ना कोई मेजोरिटी है ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है सबके बराबर के अधिकार हैं तब तो फिर मेरे साथ आपने जघन अपराध क्यों किया छिहत्तर में हुआ दत्ता साहब छिहत्तर के बाद की घटनाएं उससे पहले की भी होती तो भी मैं मान लेता लेकिन सनातनी समाज को इस पर थोड़ी डिबेट करनी है भगवान राम के अस्तित्व पर डिबेट करनी है माता सीता पे डिबेट करनी है कृष्ण पे डिबेट करनी है ब्राह्मण कौन है बनिया कौन है इस पे डिबेट करनी है क्योंकि आपको बिजी रखना है समाज में बताना है कि हमसे ज्यादा तो बौद्धिक कोई है नहीं हम तो हर बात पर डिबेट करते हैं सेकुलर भारत के अंदर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके सनातनी संस्कारों सरोकारों के उन मंदिरों को भारत सरकार ने बिना हमसे पूछे हो सकता है तथाकथित तो कुछ राष्ट्रवादी लोग हों उन दलालों के मिले होने से आपने कैसे मेरे हजारों बयालीस हजार मंदिरों पर यह कानून बना दिया कि यह जो 47 में इनकी स्थिति थी जिसे औरंगजेब ने बाबर ने अकबर ने हुमायूं ने तोड़ा था अब यह स्थिति ऐसे ही रहेगी इस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता आप सोते रहे पूछिएगा वो राष्ट्रवादी जो आपके पास कल परसों आएंगे एक पट्टा डाल करके हम ठेकेदार हैं आपके ठेकेदार अगर कोई है तो उसमें भी अच्छे लोग ही उनको चुनो यार पट्टा डालने से और भारत माता का जय का नागर लगाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होने वाला सॉरी अपनी उस भावुक और मूर्ख मानसिकता से बाहर निकलिए और आप नहीं निकले तो मेरा दावा है मेरी बात को याद रखिएगा हर सभा में कहता हूँ आपके बच्चों को जब पता चलेगा कि हमारे बाप को और हमारी माँ को पता था आपको लगता है कि आप पाँच करोड़ का मकान दे के जाएंगे तो आपकी इज्जत करेगा वो न पाँच करोड़ के मकान को बचा पाएगा और ना आपकी आस्थाओं को बचा पाएगा और आपको गाली देगा क्योंकि हमारा बाप और हमारी माँ कितने बड़े हमारे दुश्मन थे कि जो हमारे सामने खतरा था उसकी बातें नहीं कर रहे थे भाईचारा 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 हम सब सदियों से साथ रह रहे हैं कब सदियों से आप साथ रहे मुझे बताओ ना यार कब सदियों से साथ रहे मुझे बताओ ना कौन सी डेफिनेशन के तहत रहे आपने एक वर्किंग रिलेशन तय कर लिया कि भाई चलो तुम ठीक है अपनी मस्जिद बना लो हमारा मन वो वर्किंग रिलेशन समय समय के हिसाब से बना और समय समय के हिसाब से जिसकी ताकत हुई उन्होंने उसको बर्राइशी कर दी आज भी कौन लोग थे जिन्होंने 93 के अंदर बिना किसी डिबेट के बिना किसी संवैधानिक दृष्टि से उस डॉक्यूमेंट के तहत अपने आर्गुमेंट को आगे रखते उन्होंने अनाउंस किया क्योंकि उनके बिना पार्टियों के स्वार्थ राष्ट्र के स्वार्थ नहीं होते हैं उस पार्टी को लगा कि यह एजेंडा लागू करने से तत्कालिक फायदा होगा लेकिन उन्होंने फायदा भी लिया और हमारे सर पर यह थोप दिया इस पर कोई जलसा जुलूस नहीं निकला कहीं निकला हो तो मुझे बताइए मेरा 20, 22, तेईस साल का तो कैरियर है पत्रकारिता का और 10 साल से मैं ये कर रहा हूं कोई नहीं निकला एक आदमी ने खड़े होकर कह दिया देश में मुसलमान माइनोरिटी में है उनके लिए माइनोरिटी कमीशन बनना चाहिए अब क्योंकि यह बात थी कि उन पंद्रह करोड़ मुसलमानों को माइनोरिटी घोषित करना था तो उसे सेकुलरिज्म का जामा कैसे पहनाया गया यह या कहा या 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 कि सरदार भी जो है माइनोरिटी में है बौद्ध भी माइनॉरिटी में है क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में है तो इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे देते हैं माइनॉरिटी कमीशन बन गया करोड़ों का बजट बन गया अब क्या आप मुझे बताएं कोई बड़ा दानिश्वर बैठा हो कोई मेरा बुजुर्ग बैठा हो मुझसे कहा जा रहा है कि भारत सेकुलर है और सेकुलर भारत में सब बराबर हैं सबके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बराबर हैं तो जब सब बराबर हैं तो इस देश में पंद्रह करोड़ मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान क्यों है और फिर आगे चल कर के जब उनको लगा कि इसको और जस्टिफाई करना है तो आपने 2005 या 6 में जो जैन थे कहा कि ये भी माइनॉरिटी है तो बहुतों को लगा माइनॉरिटी में जाने से कुछ हमें भी खैरात मिल जाएगी माफ करना इस 12-13 साल के सफर में कोई जैन ऐसा नहीं है जिससे मैं न मिला हूं जो आपके संत हैं उनसे न मिला हूं मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैन समाज को सरकार की खैरात चाहिए आपको खैरात नहीं चाहिए उस खैरात से आप नहीं पल रहे हैं आपके संस्कारों के कारण आप हैं और आपकी शक्ति का बोध आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपके सामने कह रहा हूं आपके पास वो शक्ति थी झारखंड के अंदर आपकी मान्यताओं का जो श, क्या है समय देखिए हर आदमी के पास एक अलग शक्ति होती है सबके पास बंदूक नहीं होती है किसी के पास पैसा होता है किसी के पास बल होता है किसी के पास भीड़ होती है आप जब अपने उस बल का प्रयोग करते हैं तो झारखंड की वो कंट्रोवर्सी हुई तो कुछ लोगों को लगा कि जैन ये तो कपड़ा बांध लेते मुंह पे ये कहां लड़ने लड़ने वाले लोग हैं लेकिन आपने अपनी आर्थिक शक्ति का जब प्रचंड वहां पर प्रदर्शन किया कि राज सत्ता जैनों से कितने पैसा लेती है और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और हमारी बैकग्राउंड क्या है 48 घंटे के अंदर उनको वापस लेना पड़ा तो आप जैन हैं तो आप बंदूक मत उठाइए लेकिन जो बंदूक चला रहा हो उसके कार्टेज का पैसा उसे जरूर दे दीजिए हम तो यही कर सकते हैं भाई आप अपनी भूमिका तय कर ली आपने इसलिए आपने दिखाया और इस सफर में बड़े बड़े मैंने जैन प्रोग्राम तय किए और सबके सामने यही कहा और उन्होंने उस दिन से अपनी भूमिका तय कर ली है आप निजी जीवन में क्या करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको भी 2005 में माइनॉरिटी घोषित कर दिया अब उस माइनॉरिटी से आपको क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं जानता लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप एक चीज को जरा सा कभी पूछते सरकारों से पूछते ये पट्टेधारियों से पूछते जो यहाँ आए थे ये मैं आपके मतलब की बात बता रहा हूं क्योंकि मैं जब ऐसी चीजें ढूंढता हूं भारत का संविधान देखा है कभी आपने ओरिजिनल संविधान देखा है किसी ने देखा है ओरिजिनल संविधान भारत का ओरिजिनल संविधान जो 1950 में 26 नवंबर को पास होकर के छपा है मैं बार बार आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि आपको कुछ नया नहीं करना है आपको सिर्फ सत्ता से लॉजिकल सवाल पूछना है और आपके लिए हो सकता हो हम क्यों इस पर टाइम वेस्ट करें इतनी देर में हम दो करोड़ रुपए कमा लेंगे आपके दो करोड़ रुपए आपकी जान नहीं बचाएंगे बल्कि दो करोड़ रुपए आपकी जान ले लेंगे भारत के ओरिजिनल संविधान में हमको पाठ पढ़ाया गया है हम सेकुलर हैं हम सोशलिस्ट हैं हम ये हैं हम वो हैं हमसे पहले भी और जब ये सब बात बोलता हूँ तो मैं उन लोगों को देखता हूँ याद करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि आज भारत का नागरिक न ना उनका नाम जानता है न उनका कहीं कहाँ घर है या उनके घर में कोई बचा है हमें क्या लेना देना है हमको तो ये है कैसे हमें मिल जाए और हम शर्मा जी की ऐसी तैसी कर दें क्योंकि शर्मा जी बहुत टेढ़े के घूम रहे हैं हम एक दूसरे को गिराने में सबसे माहिर हैं भारत के संविधान के बारे में सात आठ साल पहले बोला और यह विश्वास इसलिए हो गया है कि जब आप पूरी ताकत से बोलते हैं अपने कोई उसमें आपका स्वार्थ नहीं होता तो एक समय आता है कि आप कितना भी बोले नहीं सुनते लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप सुनते हैं सत्ता के केंद्र में कोई ना कोई यहां सुन लेता है और क्योंकि जरूरी नहीं है कि सत्ता में जो जीत के गए हैं वो महा ज्ञानी हैं अंगूठा टेकी होते हैं इसलिए उनको नहीं पता होती कोई चीजें अच्छा राजा वो होता है कि अगर कहीं से भी उसको कोई आवाज सुनाई दी और उस आवाज में उसे तथ्य लगा तो वो वेरीफाई कर सकता है क्योंकि उसके पास साधन है और जब वो वेरीफाई कर ले तो चुपचाप से अगर वो उसे इंप्लीमेंट कर दे तो वही बड़ा राजा है जरूरी नहीं है कि जब तक हमने कहा था यह मुद्दा हमने उठाया था हमारे नाम से जाना जाए ये कुछ एजेंडा नहीं है अगर सही मानों में राष्ट्र के जीवन में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप ईमानदारी से मुद्दे को उठाइए खड़ा कर दीजिए आप पूरी ताकत से कोशिश कीजिए दुनिया सुन ले अगर नहीं सुने तो उससे हतोत्साहित में हुए अपने काम में लगे रहिए बनारस में जब हमारी टीम यह लड़ाई लड़ रही थी कि ज्ञान व्यापी में एक तो कमाल की बात यह है ज्ञान वापी मस्जिद कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिलता कि ज्ञान का संबंध मस्जिद से है कहीं है इस्लाम नहीं कहता इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है इस्लाम मानता है मैं नहीं कह रहा इस्लाम में मजारे हराम हैं मैं नहीं कह रहा इस्लाम कहता है इसलिए आप इस्लाम मुल्ला जी का पढ़ते हैं क्योंकि मुल्ला जी को आपके साथ चाय पीनी होती है तो आपको ज्ञान बता देता है आप एकेडमिक इस्लाम कुरान की बात करें तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरे मरने के बाद ना कोई तस्वीर होगी ना कोई मजार होगी आप बता सकते हैं बड़े से बड़े मुसलमान से जो यहां गालियां और चिल्लाते हैं पूछना प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मजार है कहीं नहीं है बल्कि जब वो थक के जाते थे क्योंकि उनकी पहली शादी 24-25 साल की उम्र में खतीजा से हुई थी खतीजा नाम की एक महिला थी बड़ी बिजनेसमैन थी कोई बावन त्रेपन साल की थी विडो थी उससे उनकी शादी उन्होंने की है उनका निजी मामला है। इस पे कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा मुझे अपनी बात बतानी है इसलिए कर रहा हूं उनसे उनकी एक ही औलाद थी उनकी एक बेटी थी फातिमा और बाकी जो भी शादियां उन्होंने की मैं ना उनकी उम्र में जा रहा ना मैं गिनती में जा रहा दैट इज नॉट माई पॉइंट प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी जब जैसे एक समय होगा अहल्या बाई होलकर के दौर को याद करें कि यहाँ से लेके बनारस तक के रास्ते में बीच बीच में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उनको सराय बोलते हैं जहाँ लोग आराम करते हैं रुक जाते हैं फिर घोड़े चले जाते हैं इसी तरीके से जिस जगह प्रॉफिट मोहम्मद जब वो लौट के जाते थे केरल से बहुत सारे ये जो गर्म मसालों का बिजनेस हुआ करता था उनकी वाइफ यहीं से बिजनेस करा करती थी तो छः महीने के लिए ऊँटों पर सामान आता था फिर जब वो आते थे तब उनका पेमेंट होता था तो लोग थक जाते थे तो ऐसे ही कोई हॉल में बैठे जैसे स्टेशन पर आप देखें कुछ लोग बैठ जाते हैं कुछ लोग लेट जाते हैं कुछ लोग सो जाते हैं कुछ लोग वहीं नमाज पढ़ लेते हैं इसी तरीके से जिस बिल्डिंग में उन्होंने नमाज पढ़ी सऊदी अरब में बहुत पहले वो टूट के दो टुकड़े हो गए इस्लाम का कुरान कहता है मजार हराम है लेकिन यहां के सुपर मुसलमान हैं ये तो प्रॉफिट मोहम्मद से भी आगे के हैं कहीं नहीं चल रहा प्रॉफिट मोहम्मद की मजार के लिए आप गूगल कर लीजिए सर्च कर लीजिए किसी दुनिया में उनकी मजार नहीं मिलने वाली वो तो उनके पैगंबर थे भाई उनकी मजार नहीं है लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये एक दुकान है जो चल रही है ना उनकी तस्वीर है लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की विजन इतनी तेज है कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया बोले यही है कम? उसने लिखा नहीं उसने कुछ बताया नहीं बोले यही यही है मारो उसको मारो 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 अजीब टाइप के लोग हैं वो बीमारी है उनको वो समझते हैं कि सबको डर से डरा देंगे 700 साल के बाद भारतीय सनातनी समाज के एक परसेंट लोगों ने डरना बंद किया है तो उनको डर लगने लगा है आपको किसी को नहीं मारना आपको अपने होने पे गर्व करना है फटी साड़ी है फटा कुर्ता है फटा पजामा है ये मेरा है किसी का दान में दिया हुआ नहीं है उस पर गर्व करिए दो रुपए हैं तो करिए दो सौ करोड़ रुपए हैं तो उस पर गर्व करिए जिस दिन भारतीय सनातनी समाज ये करना लगेगा मुझे मालूम है लोग सही लाइन में खड़े होकर के आपसे भीख मांगेंगे आप खुद नहीं सुधरना चाहते आप सत्ता पे अच्छा योगी आ गया है अच्छा योगी करेगा हमारा बड़ा पार वो चला गया अरे हम तो मर गए फिर 200 साल अरे योगी पैदा करने की सनातनी महिलाओं में क्षमता है अपने योगी को पहचानिए कि हमारे बीच में है कौन और वो आपकी जाति का हो न जाति का हो उसे खड़ा कर दीजिए कोई जरूरी नहीं है हम सीना ठोंक के ये बात कहते हैं हम तो सरदार नहीं है ना हम राजनीति में है ना हमें वोट लेना है हम तो नहीं है हमको लगा कि यह बात अगर हम कहेंगे तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी उन किन्हीं कारणों से कोई झगड़ा तंत्र मंत्र हो भी गया है तब भी इस बात को कहने से डरना क्यों है शर्माना क्यों है देखिए नरेटिव बदलने की लड़ाई में अपने दस साल की बताता हूं जिसमें जो काम हुए हैं मैं नहीं कराई मैंने किया मैं नहीं बिल्कुल नहीं मानता मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है आप ही की तरह बोलता रहता हूं मैंने कहा कुछ लोगों को आदत हो गई है कुछ सुनते रहते हैं कुछ कुछ कहता रहा है बीच बीच में इसलिए गोविंद सिंह जिनके चार पुत्र थे दो पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए और जो दो पुत्र थे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह एक छह साल और एक नौ साल ये कहानी आपने खूब सुनी होगी और खूब आप सुनाती होंगी लेकिन घर में जोरावर सिंह पैदा ना हो इसका इंतजाम आपने कर लिया है हमारा लड़का तो बड़े पैकेज की नौकरी पे अमेरिका में जाना चाहिए और यहां मां की रक्षा आपकी कौन करेगा यह पता नहीं है तो हमने उसको दूसरे तरीके से चलाया कि चचा नेहरू चौदह नवंबर को पैदा हुए उसमें कोई बात नहीं कभी तो होते चौदह नवंबर को गए कोई हमको उसमें एतराज नहीं है लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्शन था ये था कि भारत के मासूम बच्चों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप चचा नेहरू के जन्मदिन को कहते हैं ये बाल दिवस है भाई बाल दिवस होने पे वो बच्चा जब ये कहानी पूछेगा कि भाई बाल दिवस चचा नेहरू क्यों मनाते हैं तो लोग कहते हैं उन्हें बच्चों से प्यार था इतिहास बताता है बच्चों से कहूँ अम्मी से ज्यादा प्यार था तो चचा नेहरू का जन्मदिन हुआ आप मनाइए धूमधाम से मनाइए लेकिन बच्चों के साथ ये अत्याचार क्यों किया आने वाली नस्लें बार बार पूछेंगी कि चचा नेहरू ने क्या किया था तो क्या बताएं कितना भी झूठ बोले लेकिन पर्दा गिरी जाता है तो हमने इसमें कोई कोई उनसे निजी नहीं था झगड़ा हमारे दिमाग में यह आया कि आज की युवा पीढ़ी को जब मैं मिलता हूं तो बड़ा खुश होता हूं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह पहला कदम है कि उनको कुछ लग रहा है कि कुछ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहे कि गड़बड़ नहीं है इसलिए वो दुनिया में चल रहे हैं सुबह से शाम तक कैरियर ये नौकरी ये पैकेज फिर यहां चले गए फिर वहां चले गए फिर वहां से लात पड़ी तो यहां आ गए फिर वहां से भाग के वहां चले गए फिर यूक्रेन में क्राइसिस हो गया तो सरकारों ने वापस बुलाए भाई गए क्यों थे सरकार से पूछ के गए थे क्या सरकार बुलाए भी फिर कह रहे हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ सिंपल बात है ना तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि हमने एक मुहिम चलाई और ऐसे ही बोले हम हम कोई मुहिम को लेके पोस्टर वोस्टर नहीं गए आज तक किसी नेता चाहे इधर का हो या उधर का हो हमने किसी से ना मुलाकात की ना किसी को मेमोरेंडम दिया न यू फेसबुक पे हमने पिटीशन डाली हमने नहीं किया हमको यह यकीन था कि आज के दौर में बोलिए सोशल मीडिया इस संचार क्रांति के माध्यम से कोई ना कोई जरूर सच बात जानना चाहेगा उसको एक बार सुनेगा दो बार सुनेगा चार बार सुनेगा यहां सुनेगा वहां सुनेगा कहीं ना कहीं यह बात टकराएगी और जिस दिन टकराएगी तो सत्ता पे बैठने वालों को लगेगा कि यह भी एक मौका है इसको भी लपका जा सकता है हमने कहा कि आप 14 नवंबर को बाल दिवस न मनाएं और आज का बच्चा जो कहता है मम्मी से मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं वो तो ऐसे होते हैं वो तो वैसे होते हैं ये आप लोग हमें बहकाते हैं ये अमूमन हिंदू बच्चों का सवाल होता है और पिताजी को कुछ पता नहीं होता पिताजी अपनी नौकरी बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं तो वो भी हाँ में हाँ करते हैं तो उसको अगर ये बात आज बताई जाए तथ्यों पे बताई जाए तो संचार क्रांति में ढूंढ लेगा कि ये कोई बीमारी आज की नहीं है कोई के सरकार आ गई है इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है तब हमने ये मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के चातपुर जो चमकौर के युद्ध में दो मारे गए दो जीवित थे साहबजादा जोरावर सिंह साहबादा जाद फतेह सिंह एक की उम्र छह साल एक की उम्र नौ साल जब एक इस्लामिक आक्रांता राजा ने अपने सिपे सालार को कहा कि इनका मजहब बदलना है और उस वजीर खान ने जब छह साल के फतेह सिंह की गर्दन पे तलवार रखी और कहा इस्लाम कबूल कर लो जान बख्श दी जाएगी उस फतेह सिंह ने छह साल के बच्चे ने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता उनकी गर्दन कलम हो गई दीवार में चिनवा दिए गए उनकी हत्या की खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चला उनका दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई नस्लों को कौन अपना आदर्श कैसे बनाया जाता है आपके पास आदर्श भी हैं, लोग भी हैं लेकिन किसी के सामने शर्मा नहीं लिखा किसी के सामने सिंह नहीं लिखा किसी के सामने यादव लिखा है किसी के सामने कुछ लिखा है ये देख करके राष्ट्र के, राष्ट के हीरो नहीं बनाए जाते हैं और कहा कि 29 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करना चाहिए जिस दिन ये पुत्र हुए इसके लिए सरकार में एमएलए एम पी बनने की जरूरत नहीं थी ये ठेकेदार जो हिंदुत्व की दुकानें लेके घूम रहे हैं इनके मुंह से नहीं सुना होगा आपने क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है और हमने अपने जीवन में अपने सामने होते हुए देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाएगा यह नरेटिव बदलने की बात है और कुछ नहीं है हम होंगे नहीं होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत सारे काम हुए आर्टिकल 370 का जिक्र मैंने बहुत सुना कश्मीर में सुना आते जाते बहुत सुना लेकिन जो सबसे बड़ा जगन्ना इससे भी ज्यादा खतरनाक आर्टिकल तो नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं लगे हुए हैं लेकिन 370 सेवेंटी पर चर्चा हुई क्योंकि वो नेरेटिव बन गया सबने सुना है कहाना एक साहब हैं मैं नाम ले लेना चाहता उनका ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं यार कि जो उनके आराध्य हैं वो नहीं झूठ बोल रहे हम उनसे भी ज्यादा बड़े मौलाना हैं प्रॉफिट मोहम्मद की ना मजार है ना कबर है ना तस्वीर है लेकिन आप ही के जम्मू कश्मीर का किस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह कमाल है भाई आपका भी आपका मतलब आप निजी तौर पे मत ले लीजिएगा मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं प्रॉफिट मोहम्मद 632 बत्तीस में इंतकाल फरमा गए उनको दफना दिया गया उनकी ना कोई शक्ल बता सकता है ना उनकी बॉडी की कोई पैमाइश दे सकता है वो कैसे थे नहीं थे उनके मानने वाले जो भी मानते हैं उस पर कोई विवाद नहीं है विद ऑल रेस्पेक्ट टू दैट सोल वेदर आई डिस एग्री और एग्री दैट्स ए डिफरेंट लेकिन एक बात मुझे बताइए प्रॉफिट मोहम्मद साहब बेचारे मक्का में थे डेथ हो गई उनको दफना दिया गया हमको उन्नीस में पता चला भाई साहब सऊदी अरब से उड़ के एक बाल यहां पहुंच गया मैं मैं, मैं ये साइंटिफिक दौर है संचार क्रांति का दौर है हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए साइंस पे चीजें तय होनी चाहिए तो हमको बताओ ये पुष्पर विमान कब बना था मैं कोई उनको रेडिक्यूल नहीं कर रहा हूं मेरा कोई उनको ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कुछ दलाल ये कह सकते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा बाल कहां का था और कहां से आया था मेरा कोई विरोध नहीं है मैं साबित करना चाहता हूं कहते हैं साइंटिफिक बात है भगवान राम थे या नहीं थे चलिए वो तो जब कुछ हो गया लेकिन इसका बताओ उसकी कहानी नहीं पता दत्ता भाई आप स्टोरी करेंगे तो मजा आएगा आपको कमाल की स्टोरी है प्रदीप भाई 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में वो बाल रखा है यकायक 1962 किनारे पे और 63 के थोड़ा डेट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है एक दिन खबर उड़ी जम्मू कश्मीर में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल गायब हो गया है बवाल यह खबर उड़ी और कहा कश्मीर इस कोने पे और कहा बंगाल दूसरे कोने पे। छोटे भाई का पजामा बड़े वो सड़कों पे निकला है जैसे ऐसा लग रहा था बाल किसी हिंदू ने चोरी कर लिया अरे भाई खो गया है तो पहले पास खूब दंगा हुआ वहां लेकिन कमाल की बात है साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रधानमंत्री अद्भुत प्रधानमंत्री सीबीआई के डायरेक्टर को रात में हिदायत दी इमीजिएटली लैंड करो स्पेशल प्लेन से सीबीआई का डायरेक्टर आया और उससे कहा बाल ढूंढना है ये को सारी बात आपको हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन से लगता हो कि मैं एक एक शब्द बाई शब्द कौमा बाई इज़ अवेलेबल है मैं कहीं कोई बात किसी को रेडिक्यूल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं जब बात साइंटिफिक करता हूँ तो मैं सनातनियों से भी करता हूँ और उनसे भी करता हूँ और सनातन को जो मूर्ख लोग समझते हैं कि हम ये करते हैं हम ये करते हैं सनातन का आज की डेट में अगर ट्रांसलेटन ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब है साइंस सनातन शुद्ध साइंस है कौमा फुल स्टॉप भी इधर नहीं है ये पाठ पढ़ाने वाले ये करने वाले ये मंदिरों में बैठने वाले लोगों ने अंधविश्वास का एक ड्रामा खेल दिया है इसलिए मैं कह रहा हूं 2023 और 24 के भारत के बच्चों को मैं सिर्फ ये के कह के कहकर के बेटा पूजा कर लिया करो सुबह लोटा चढ़ा दिया करो भगवान नाराज हो खुश हो जाएंगे इससे नहीं होगा उसको लॉजिक चाहिए उसको रीजन चाहिए उसको साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट चाहिए अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप लाख कहते रहिए सीबीआई के डायरेक्टर लैंड कर गए बाल ढूंढा जा रहा था एक आप क्या एक फ्रॉड है कोई मीर वाइज करके तो वो टोपियो भी लगाता है उसके पिताजी उन्होंने चद्दर बिछाई और उनकी राजनीति वहां से शुरू हुई बाल ढूंढना पड़ेगा पूरा देश पागल हो गया कुछ कश्मीर में समझदार कश्मीरी पंडित भी थे वो मिले उनसे भौमिक साहब भौमिक नाम है मौलिक।, मौलिक उनका नाम था मौलिक साहब कहाँ बाल ढूंढेंगे आप बोले ढूंढना है प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है मुझे पंडित समझदार लोग थे उन्होंने मौलिक साहब को राय दी बाल बाल कहाँ मिलेगा आपको रात में दो बजे ये अनाउंस कर देना चाहिए बाल मिल गया कहाँ से वो पंडितों ने एक सही राय दी कि आप 200 साल तक ढूंढते रहेंगे वो बाल नहीं मिलने वाला कि वो आए ही नहीं था कश्मीरी हिंदू पंडित बड़ा समझदार है उसने समझदारी का, का काम किया उसने कहा देखिए ये ये बाल लीजिए कही बाल मिल गया अनाउंस कर दिया उन्होंने मौलिक साहब ने अनाउंस किया बाल मिल गया रात के दो बजे ये मौलिक साहब ने अपनी किताब में लिखा है मैंने नहीं लिखा मौलिक साहब ने दो बजे देश के प्रधानमंत्री को एमरजेंसी फ़ोन कर उस जमाने का फोन आप सोचते हैं कितने लंबे पिए चक्कर में होगा उसने कहा तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री को कहो कि मौलिक का फोन है जम्मू कश्मीर से उसने उठाया प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त उठाना बड़ा मुश्किल होता था वो कैसे सो रहे हैं किस हालत में सो रहे हैं किसी को पता नहीं था तब भी उसने ये गुस्ताखी की कि पता चला कि भाई देश बचाना है बाल मिल गए उसने खबर पहुंचवाई कि तो उन्होंने टेलीफोन लिया लैंडलाइन का और उस लैंडलाइन के टेलीफोन पे जब मौलिक ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी बाल मिल गया है तो प्रधानमंत्री ने क्या रिस्पॉन्स किया मौलिक तुमने कश्मीर को अलग होने से बचा लिया एक बाल के कारण कश्मीर आपके पास है नहीं तो ये टूट जाता तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे हमारे यहां नौटंकियां हुई हैं भाई मेरे और उसको मैंने सुना है एक खास दिन बाहर निकाला जो कहते हैं कि हम न अल्लाह है ना उसकी कोई तस्वीर है ना प्रॉफिट है ना उसकी कोई तस्वीर है ना कोई मजार है ना मस्जिद है हम मानते हैं तो फिर ये बाल की पूजा क्यों होती है किसको मूर्ख बना रहे थे तो सवाल ये नहीं है कि किसी को किसी को डिमीन करना है जब आप बात पब्लिक डोमेन में लाओगे तो साइंटिफिकली जवाब देना पड़ेगा इसमें कौमा फुलस्टॉप तो ऊपर नीचे हो सकता है मौलिक साहब की किताब पढ़ लीजिएगा आपको पढ़ते पढ़ते हंसी आएगी और फिर लगेगा देश किस तरह से बचा है बाल बाल बचा है कमाल है हमारे यहां ऐसी चीजें होती रही हैं और आज भी होती है हमारे यहां नोटंके इसलिए पब्लिक डोमेन में पहले नहीं आती थी बातें तो लोग समझते बहुत ज्ञानी भाषा ऐसे ही चल रहा है ऐसे ही हमारे यहां एक नैरेटिव चला कि जिना ने यह कहा था कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती इसलिए जब बड़े चोर को छुपाना हो तो किसी छोटे को आगे कर दो जिना नेवर सेट अगर आप पॉलिटिकली मुझसे पूछें तो जिना ईमानदार आदमी था अब मैं पार्टी का नाम ले लूंगा तो पूरा लग जाएगा तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है दूसरी पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है इसमें बड़े चोर थे अपने छुट भइयों को बड़ा करने के लिए आप अपने शत्रु अगर देखो शत्रु ईमानदार है तब से उससे बात हो सकती है शत्रु है और बेईमान है और शत्रु नहीं भी और आपका आदमी बेईमान है तो फिर कोई मतलब नहीं है कांग्रेस की मक्कारियों के कारण उसने थ्रेट दीन को और जिस आदमी का नाम उजागर होना चाहिए था वो भारत में आज की डेट में महान बना घूम रहा है इन 1868 मेरठ में जिसे अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया दो लोगों को सर का खिताब दिया जिन्होंने क्या काम किया है उनको बताना चाहता हूं वो आज भी है मेरठ में अठारह में सर में अहमद खान ने अपनी स्पीच में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकते उसी सैयद ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाया जिसे मोहम्डन एंग्लो इंडियन कॉलेज कहते हैं और 1920 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत वो अब भारत के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है और उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला नेहरू जी की मिनिस्ट्री में मंत्री पाकिस्तान बनने के पास आपके पास जमीन तो थी पठान भी थे पंजाबी भी थे आपके पास कश्मीरी भी थे आपके पास बलोची बलोची भी थे पढ़ा लिखा कोई नहीं था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्टूडेंट पहला प्रधानमंत्री लियाकत अलीखा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना और हमको ज्ञान दिया जा रहा है जिन्होंने ये कहा था क्योंकि कुछ चोरों को अपने चेहरे बचाने थे तो जब आप गलत इतिहास पढ़ेंगे यह बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने शुरू में कहा आप किसी लालच के कारण सीमेंट बचाने के लिए इस बिल्डिंग की नींव में आपने कहा यार चल तो दो। खड़ी होगी ना बिल्डिंग ये बिल्डिंग नहीं चलने वाली है ये धराशाही होनी है उसका समय आ गया है धीरे धीरे एक एक ईंट करके ये पूरी भारत की जो बिल्डिंग बनी हुई है यह ध्वस्त नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा इसमें आपकी भूमिका क्या है मेरी भूमिका क्या है अपनी अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश करिए यह गिरनी थी समय आ गया तो गिरने लगी इसलिए आज आप उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बताई नहीं गई क्योंकि आपको लगता है हमारे तकलीफ तो है लेकिन यह तकलीफ शुरू कहां से हुई डॉक्टर भी एक अच्छा डॉक्टर होता है मरीज से पूछता है यह बीमारी आपको कब पैदा हुई थी वो उसकी पूरी हिस्ट्री जानता है फिर वो पूछता है आपके पिताजी को तो नहीं हुई थी उसकी हिस्ट्री जानता है तब जाकर के पता करता है कि ये बीमारी वहां से शुरू हुई थी उस बीमारी के सिम्टम्स को अगर वो नहीं पकड़ेगा तो वो इलाज नहीं करेगा इलाज करने वाला आ गया है अब उसका चेहरा किसी को नहीं अच्छा लगता है तो ये तुम्हारी समस्या है इसलिए ऐसे ही नहीं आया आपको शायद इस नस्ल में पता नहीं चलेगा तिरुपति का मंदिर ऐसे ही नहीं बना है ऐसे ही नहीं बना है कि यहां मंदिर कम थे यहां यहां कुछ वहां के मानने वाले ज्यादा थे ये सभ्यताओं के युद्ध में एक पड़ाव है आप समझने की कोशिश कि मैं जहां ले जाना चाहता हूं आपको आप किसको वोट दें किसको न दें मेरा ना कल एजेंडा था ना आज एजेंडा है एक पूरी पीढ़ी को यह आहुति देनी ही पड़ेगी आप चाहें तो या ना चाहें तो सब अपने अपने समय में सुख भोग करके जाना चाहेंगे तो अगली पीढ़ी आपको कब्रों से निकाल के मारेगी हमसे कहा यह करो लेकिन आप नहीं कर पाए ऐसे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे यकायक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भव्य ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा नहीं है मेरे भाई आप तो प्रदीप भाई पर्दे के पीछे की दुनिया जानते हैं ये बात अलग है कि माइक पे आप जबरदस्त बोलते हैं सच तो जानते हैं ना आप कहां कहां क्या क्या हुआ इसलिए मैं सिर्फ उस सच को जोर जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि आप कम से कम उन मुद्दों पे मत बोलिए उन विषय पे मत बोलिए जिनसे आपका दूर दूर तक सरोकार नहीं है तिलक लगाने से पंडित हो जाता हो गेरुए वस्त्र पहनने से अगर कोई पंडित हो जाता हो तो माफ कीजिएगा भारतीय सनातनी सभ्यता अनाधि अनादि अनादिकाल से जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और जब तक इस ब्रह्मांड है तब से लेके अब तक भारतीय सनातनी सभ्यता हमेशा से जाति प्रधान नहीं रही कर्म प्रधान रही है कोई ब्राह्मण ब्राह्मण मां के पेट से जन्म नहीं लेता कोई ठाकुर ठाकुर मां के पेट से जन्म नहीं लेता और यह सच्चाई के साथ तथ्यों के साथ कह रहा हूं यह समय दोबारा नहीं आने वाला जो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ही ब्राह्मण है जिसने अपनी मां को बचाया अपने परिवार को बचाया अपनी बहन की रक्षा की अपने समाज की रक्षा की अपने डिस्ट्रिक्ट की की, राज की की राष्ट्र को बचाया वही छत्री है वही योद्धा है हमारे यहां कर्म से जाति तय होती थी जाति वो जाति नहीं जिस जाति का खेल आज हो रहा है अगर कोई ब्राह्मण डॉक्टर है और कोई दलित डॉक्टर है और दलित के हाथ ज्यादा साफ हैं तो वही अच्छा डॉक्टर है कहां लिखा हुआ था किस किताब में लिखा हुआ है कि मां के पेट से पैदा होने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण होगा ठाकुर ठाकुर होगा जब सेना का सैनिक बॉर्डर पे मारा जाता है आप तो कवर करते हैं आप बताइए कि जब आपके शहर जम्मू से उसकी डेड बॉडी निकलती है तो किसी माई के लाल ने आज तक ये पूछा हो कितना भाई ये, ये यादव था क्या ये ब्राह्मण था किसी ने पूछा हमारे सब कॉन्शियस में है लेकिन उसको दबा दिया गया है हम यही कहते हैं भारत का सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ है उसकी जाति नहीं ढूंढते हम कुछ लोग हैं जो जाति का भी प्रमाण मांगते हैं हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी कि नहीं की थी उसका भी मांगते हैं कुछ लोग पैदाइश ही मांगते हैं अब उन्होंने कभी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि पिताजी तुम ये प्रमाण दो कि तुम मेरे पिता हो यह कैसे पता चलेगा आप जानते हैं भारतीय सनातन संस्कृति की ताकत बता रहा हूं मैं आपको दुनिया की किसी साइंस की जरूरत नहीं थी यह सिर्फ हमारी सभ्यता है जिसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है आपका किन से टकराव हो रहा है जिनके यहां कंसेप्ट ऑफ मैरिज ही नहीं था आप उनको फॉलो कर रहे हैं हमारे यहां शादी सात फेरों के बाद जन्मों का संबंध होता है इस्लाम में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से निकले तो वो जो पैसा आपने मेहर के नाम पे दिया है वो वापस करना होगा और तीसरे जो है अंकल सैम उनके यहां तो होती नहीं थी उनके यहां एक युवा लड़के और एक लड़की का मिलन और उस मिलन से उत्पन्न होने वाली औलाद क्या कहलाती थी, थी क्या कंसेप्ट था उनके यहां उनके यहां उस दौरान एक युवा एक लड़की मिले और उससे अगर कोई संतान पैदा हो जाए उस संतान को स्टेट पालती थी और स्टेट ने ऐसे बड़े बड़े हॉल बना रखे थे अपने यहां आप इतिहास पढ़िए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नई बात कह रहा हूं ऐसे ही बड़े बड़े हॉल बनते थे और कमाल देखिए हम थे हमने दी सभ्यता हमारे कपड़े फट गए हम थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारी सभ्यता कमजोर नहीं हुई इतने हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं है लेकिन ये भरा गया उस हॉल के बाहर बच्चों के वो क्या रैंप रख दिया जाता था उन नाजायज औलादों को उस हॉल के बाहर लोग छोड़ के चले जाते थे और क्या कमाल का कंसेप्ट निकाला हमारी सभ्यता में हमारी परंपरा में हमारे सराकारों में एक बहन हमारी जब किसी से शादी करती है तो उसकी पत्नी बनती है किसी की भाभी बनती है एक संस्कार के बाद ही बनती है आप सड़क पर चलते किसी को कह देते हो भाभी मारेगी पलट के नहीं कहते हो ना और जब वो बहन हमारी किसी शिशु को जन्म देती है तब वो मां बनती है इस प्रोसेस के बाद वो मां बनती है राइट उस हॉल के बाहर जो डलिया रखी होती थी उसमें वो लोग अपने उस बच्चे को छोड़ जाते थे और स्टेट का काम होता था कि सुबह दरवाजा खुलेगा उस हॉल की व्यवस्था के लिए एक पुरुष और एक महिला को रखा जाता था कि तुम्हें इनको देखना है और इस पे आने वाला खर्चा स्टेट देगी राइट हमारी बहन तो पहले शादी करे फिर भाभी बने फिर मां बने तब उसको मां कहा जाता एक प्रोसेस है मां फ्री में नहीं मिलती बाजार में उन्होंने उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस हॉल की व्यवस्था देखने वाला जो पुरुष है वो फादर है और जो महिला रखी गई है वो मदर है अब वो मदर और फादर उस नाजायज बच्चे को जहां रखते थे उस जगह को कॉर्वेंट कहा जाता था और आपको पागलपन क्या सूझा कि मैकोले ने कहा कि अगर गुलकुल को ध्वस्त करना है जो इनकी पूरी रचना सामाजिक व्यवस्था को बनाता है ताने बाने को बनता है यहां मां अलग है पिता अलग है बाप अलग है बेटे की क्या जिम्मेदारी मां की सबके काम बटे हुए थे उसने उसको छिन्न भिन्न किया और पहला कॉर्नमेंट स्कूल बंगाल में खोला और भूखे नंगे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को जो बात हमारे ऋषि मुनि को बतानी चाहिए थी जो हमारे भग, हमारे पूजा पाठ करने वालों को बतानी चाहिए थी उन्होंने नहीं बताई और पहली बार इस बात के अभी भी कल अगर यहां अनाउंस हो जाए ना कि पांच जूते मारे जाएंगे जो जल्दी पांच जूते खा लेगा उसको नौकरी मिलेगी लड़ जाएंगे हम माफ कीजिएगा हम इतने गिरे हुए लोग हैं कोई कहेगा अपने भगवान को गाली दो हम कहेंगे देखे नौकरी तो मिल गई है नौकरी के पीछे मरे जा रहे हैं क्या जिन पे नौकरी नहीं है वो जिंदा नहीं है क्या सबको नौकरी मिल जाती है आप सोचो कि आप कॉन्वेंट में अपने बच्चे को पैदा होने से पहले रिजर्वेशन करा रहे हो आपको क्या पागलपन सूझ गया है और उस बच्चे के साथ जो आप अनाचार कर रहे हैं अनकॉन्शियसली वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो बच्चा मुंह धोआ पांच साल का मां सुबह उठी उसको तैयार किया बस में डाल दिया पिताजी उसके बाद उठे हैं जब वो सो के ऑफिस स्कूल चल, चला गया तब पिताजी ऑफिस चले गए जब ऑफिस से आए तो वो सो गया अब वो बच्चा आठ घंटे तक उस कॉर्वेंट स्कूल में मदर फादर मदर फादर अब घर में मां कह रही है ये फादर है वो कंफ्यूजन में है पांच साल का बच्चा ये वाला ये वो वाला कौन सा वाला उसको बाकी तो बच्चा नहीं है कि मदर तो वहां पर थी मदर यहां पे थी फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो आठ घंटे बैठती ये काम नहीं देती ये तो सास भी कहू बहू देखती है उसको लगने लगा ये जो मदर कह रही है यही अंत में उस मदर ने कुछ उसे और समझा दिया अब आप कहते हैं बच्चा बिगड़ गया आपने बिगाड़ा आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं आप एक गुरुकुल नहीं बना सकते थे क्या क्या आपको गुरुकुल के लिए आचार नहीं मिल सकते थे क्या क्या कोशिश की किसी धनाढ़ लोगों ने आपने अपने पैसे से शिक्षा की दुकानें खोली हुई हैं मठ मंदिरों से जो उनको मिलना चाहिए था वहां उन्होंने कह दिया प्रसाद और मंत्र लो बस खत्म क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर मंदिर क्यों बना है क्योंकि हमने कमाने के धंधे में मंदिर खोल रखे हैं ये जो हमारे यहां ज्योतिर्लिंग है इसमें तो सभी लोग गए होंगे ये ज्योतिर्लिंग की साइंटिफिक वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको आप जाके तय करिए देखिए दस बार ये ज्योतिर्लिंग जहां जहां बने हुए हैं आज के बच्चों से पूछिए रेडियो एक्टिव क्या होता है ये जो रेडियो एक्टिव की रेखा आपके जमीन के नीचे से निकल रही है आपके उस वक्त के ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था लेकिन उसको यह नहीं पता इसको रेडियो एक्टिव कहते हैं लेकिन उसको अपनी भाषा में कुछ पता था सारे ज्योतिर्लिंग उस रेडियो एक्टिव जहां जहां से पास हो रही है एक खास डिस्टेंस के साथ वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है ताकि उस एनर्जी का फ्लो उसमें आ जाए इसलिए ज्योतिर्लिंग पे पानी कंटिन्यूस डाला जाता है हीट ना हो जाए यहां से लेके कामाख्या तक यही है लेकिन हमको बता दिया बस पूजा करने से फूल चढ़ा दो ये कर हमने मतलब जिसे कहते हैं कि मैं क्या बोलूं कि आप कहां से चले थे कहां गए यार और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप लोगों को बताते आप सनातन शुद्ध साइंस के ऊपर कुछ और है ही नहीं दुकानें खोलने के लिए वो वो बैठ गए हैं आजकल एक वो आए थे कहीं शिरडी फिरडी से आए हैं वो उनकी दुकान चल रही है और हम अपनी मन्नत के हिसाब से भगवान बदलते हैं ये नहीं होगा यहां चले जाओ ये नहीं यहां चले जाओ पिता को बदल लो एक दिन पिता गरीब है बदल लो ना उसको मां गरीब है उसको बदल के दिखाओ अगर तुम मर्द हो तो अगर तुम भगवान को बदल सकते हो तो तुम कमजोर और डरपो को लालची लोग हो इसलिए ऐसा करते हो उनकी आसमानी किताब किस कॉरियर कंपनी से आई किसी ने देखी नहीं है लेकिन कहते हैं आई है यकीन है उनका मैं ईमानदार मानता हूं उनको वो उनका यकीन है भाई उस यकीन में आपका कोई दखल नहीं है आप जो यकीन करते हैं उसमें भी आपको उसको मानते नहीं है आप अपनी स्वार्थ सिद्धि और प्रॉफिट लॉस पे चीजें तय करते हैं इसलिए इतने देवता चार वेद ये और सब कुछ आपने छोड़ दिए और हरी चादर पर सर मार रहे हैं आप अजमेर में जाकर के वो देगा आपको वो जो अगर खुद देता तो मरता क्यों वो मरा हुआ आदमी आपको देगा सिंपल बात है इसलिए मजहब पैदा होते हैं कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ कोई उससे पहले यहूदी पैदा हुए सनातन कब पैदा हुआ जब आप अनादि कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है इसका मतलब है ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी लाखों लाखों करोड़ों साल मुझे नहीं पता जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है और जब यह ब्रह्मांड नष्ट होगा उस दिन सनातन समाप्त होगा और साइंटिफिक बात है सनातन कोई पूजा पाठ नहीं है मंदिर बहुत बाद में आए न सनातन का कोई पैगंबर है न सनातन का कोई प्रॉफिट है कोई नहीं है प्रॉफिट सनातन सिर्फ पांच बातों पर खड़ा हुआ है और पांचों साइंटिफिक हैं और हम अपनी जिंदगी में रोज सुबह से शाम तक बोलते हैं लेकिन कभी कभी रुक के पूछते नहीं कहते हम कह तो ये रहे ये क्या है सनातन पांच तत्वों पर है और वही पांच तत्व मेरे और आपके शरीर में हैं जब वो पांचों तत्व काम करना बंद कर देते हैं आपकी मृत्यु हो जाती है और हम अनकॉन्शियसली अपने पूर्वजों को जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं हमने पांच तत्व में विलीन कर दिया फिनिश उसी पांच तत्व के ऊपर है आज भले ही कोई आइंस्टाइन ना हमने पैदा किया हो हमें नहीं पता लेकिन उस गरीब हमारे संत को पता था उस साधु को पता था जिसने आपसे यह कहा कि सुबह उठ करके सूरज की तरफ ऊपर से ऐसे से लोटे से पानी डालना चाहिए और यह सुबह ही सुबह सुभा करना है दोपहर में नहीं करना है उसने उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जैसे एक मां जो है एक पांच साल के बच्चे को नहीं समझा सकती कि दूध क्यों पीना है मां पीछे पीछे भागती है बच्चा आगे आगे भागता है मां चाहती है कि यह दूध पी लेकिन नहीं पीता लेकिन मां जो है इतनी समझदार है बिना पीएचडी के वो अपने बच्चे से कहती है दूध पियो नहीं भोबो आ जाएगा ये कहती है मां क्योंकि मां के यहां पर दिमाग में है कि दूध इसकी हेल्थ के लिए जरूरी है लेकिन पांच साल के बच्चे को मां समझाने के लिए भौबो आ जाएगा मां का ये कोई एजेंडा नहीं है कि ये भौबो से डरे उसका एजेंडा है ये दूध पीले ले लेकिन मां कितनी साइंटिफिक कितनी पढ़ी लिखी है ये जो पुरुष समझते हैं कि उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है मां से ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं वही मां वही मां उस बच्चे को जो 12 साल का हो जाता है जब उससे कहती है कि दूध पियो क्योंकि अब समझ जाती है ये 12 साल का है अब इससे कुछ कम्युनिकेट हो सकता है उस 12 साल के बच्चे को वो मां कहती है दूध पी लो तो वो मना करता है तो मालूम उससे क्या कहती है देखो दूध पियोगे तो तुम्हें ताकत आएगी तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी भौबो आएगा तुम भगा देना पांच साल में बुला रही है बारह साल में भगा दिया उसने क्योंकि अब वो कम्युनिकेट करने की स्थिति में आ गया इसी तरह से सनातनी 2023 में कम्युनिकेट करने की स्थिति में आया है कि सूरज पे पानी इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि इससे कोई सूरज देवता खुश होंगे उस ऋषि मुनि ने इसलिए जोड़ा कि सूरज को सुबह सुबह जब पानी चढ़ाएंगे सूरज जो रात भर पेड़ पत्ते सब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं सुबह की सूरज की किरण निकलते ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देना शुरू और ऑक्सीजन का जब सूरज की किरणों से टकराव होता है और जो पानी से टकराती है तो पानी जब आप चढ़ाते हैं तो सारी रेस पानी यहां करता है और आपके यहां छोड़ देता है जो आपके शरीर को अग्नि चाहिए होती है वो पूरे दिन के लिए मिल जाती है और वही आज तो हमारे यहां एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉड चल रहे हैं हमारे यहां उस ऋषि मुनि ने हजारों हजारों साल पहले आपसे कहा था क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था साइंटिफिक में तो अभी आप पांच साल की अवस्था में खड़े हुए हैं इसलिए आपको समझ नहीं आया कि पानी क्यों चढ़ाना चाहिए क्योंकि जो सेकंड ग्रेड पे आकर के काम करना था वो करा नहीं किसी ने उसने उस वक्त हजारों साल पहले कहा कि पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पेड़ है उसकी पूजा करना वो तो पांच साल की अवस्था वाला कम्युनिकेशन है आपके साथ पूजा करना क्योंकि हम पूजा के नाम पे थोड़ा पवित्र हो जाते हैं पूजा के नाम पे थोड़ा केयरिंग हो जाते हैं और कहा इस पेड़ पे पानी देना इससे तुम्हें सुख मिलेगा आज पता चल रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है उसको कैसे सिक्योर रखा जाए कैसे प्रिजर्व किया जाए तो उसको साथ जोड़ दिया आस्था जोड़ दी तो आस्था के नाम पे लोग उसकी केयर करेंगे पानी चढ़ाएंगे लेकिन आपने उस आस्था के नाम पे पीपल को लड्डू खिला दिया है इतना उसके कलेवा बांधा है कि उसकी गर्दन कट गई है भाई साहब मत करो ये आप हमारे यहां भाव देखिए मां हमारे यहां सबसे पवित्र मानी जाती है दुनिया में मां से पवित्र कोई नहीं है भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर कुछ भी नहीं है क्यों है पता है पवित्र कि मेरी मां ने मुझे अपने पेट में नौ महीने रखा है राइट right? जब मैं पैदा हुआ जब मैं थोड़ा सा आंखें खोलने लगा थोड़ा थोड़ा सा देखने लगा इधर उधर मां को देखिए और सारे पुरुषों से कह रहा हूं मैं हेकड़ी निकल जाएगी आपकी जो आपको ना हम मर्द हैं आप अपने उस पे जाइए शास्त्रों पे जाइए मां को ही दुनिया में पता है कि मेरा पिता कौन है।, है जो कहते ना हमारा वंश चलना चाहिए अगर उंगली यूं कर दी तो वंश चला जाएगा एक माँ इस सब के बावजूद मां को ही पता है कि पिता कौन है मां दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है जैसे सूरज पूरब से निकलेगा वैसे ही मां हमेशा ऐसे ही रहेगी पिता हमारी संस्कृति में मैं नहीं जानता यह मेरा नेगेटिव है मां दुनिया की बड़ी सच्चाई है और पिता एक विश्वास है इसलिए हमारे यहां सीता राम बोला जाता है राम सीता नहीं बोला जाता मां पहले आती है पिता बाद में आता है ये आप अंग्रेजों की दलाली के चक्कर में पिताजी का नाम लिखा जाएगा पिताजी सन ऑफ फलाने फलाने नहीं इसका बोध बता रहा हूं मैं आपको इसलिए मैं सिर्फ पॉलिटिकल चेंज पे बात नहीं करता मैं अपने उस एजेंडे के चेंज के बारे में चिंतित हूं वो कोई करे ये सरकार बनी ये सरकार बनी शपथ ली आपको अपने अपने एजेंडे होंगे मेरा एजेंडा मुझे उसमें लगता है और फिर मैं उसको बोलता हूं मैंने आपको बताया ना पहले न अब न कोई जीवन में कोई ऐसी इच्छा कि किसी से मिलना है जब मिल बिना मिले ही काम हो रहे हैं तो मिलना क्यों है एक आदमी आया सत्ता पे ये बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होगी मैं इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुना रहा ताकि उसका आपको मर्म पता चले जिन्हें हम समझते हैं अरे यार इससे क्या है कुछ छूट तो मिली नहीं यार हमें कुछ फ्री तो दे नहीं रहा है हमें ब्रिटिशर्स ने आपकी उस भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए क्या काम किया उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी जब ही मिलेगी जब आप किसके पुत्र हैं इस सर्टिफिकेट को अंग्रेज बापू वेरीफाई करेगा आप लेकर के उस डॉक्यूमेंट के, के मैं सनो फलाने फलाने का बेटा हूं इसे वेरीफाई कौन करता था गुलाम भारत के अंदर वो अंग्रेज अफसर करता था कितना बड़ा ह्यूमिलेशन है उस अंग्रेज अफसर को कैसे पता चला कि मैं किसका बेटा हूं वो कैसे वेरीफाई कर सकता है उसके वेरीफाई करने से आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कहलाएगा फिर चले गए फिर नेहरू आ गए उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कौन किसका बेटा है तो उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की तब भी यह चला अरे मेरे बाप का नाम मेरी मां को पता है मेरी माँ ने बताया है फिर इसमें वेरीफाई क्या करना है वेरीफाई करते हैं मेरे बाप का नाम है तुम कौन होते हो आई जो तुम बताओगे मेरा बाप कौन है अटेस्ट कर सकती है दुनिया में कोई मेरे डॉक्यूमेंट को तो मेरी माँ कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता लेकिन इस सरकार ने पहला फर्स्ट जियो ऑर्डर फर्स्ट जियो ऑर्डर निकला और उस ऑर्डर में यह कहा प्रदीप भाई कि अब से भारत के हर नागरिक अपना डॉक्यूमेंट कि मेरा बाप कौन है खुद अटेस्ट करेगा युद्ध कहां है तो आप देखो कि हमारे यहां मां को इतना पवित्र माना गया है कि उससे ज्यादा कोई पवित्र नहीं है इसलिए क्योंकि जो तीसरा तत्व है क्योंकि आपने एक अग्नि दूसरी वायु तीसरा जल तो आप जल में देखो गंगा जमुना कृष्णा कावेरी कोई पिताजी के नाम पे है उस गंगा को गंगा मां कृष्णा मां कावेरी मां का भाव इसलिए जोड़ा कि आप जितनी पवित्र अपनी मां को रखते हैं उतनी ही गंगा को रखना क्योंकि इसका पानी ही जीवन है और कुछ नहीं था भाव और फिर पुरानी पीढ़ी यहां बैठी होगी आपके यहां तो बहुत सारे संस्कार बचे हैं आज भी बहुत सारे लोग अब ये डुप्लेक्स उप्लेक्स का चक्कर हो गया उस जमाने लोग सुबह जब उठते थे चारपाई से तो जमीन पे पैर नहीं रखते थे पैर रखने से पहले उस पृथ्वी को माथे पे लगाते थे क्योंकि वही आपको जीवन जीने के लिए पांचों तत्वों को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया इसके अलावा सनातन नहीं है यही पांच तत्व हैं यही सनातन है इसलिए हम अनादि हैं अंत है लेकिन जब आपको 1400 साल वाले ये कहते हैं कि हम ये हैं तो मुझे लगता है कि 1400 साल वाले का जीवन 24 घंटे का है वो जुगनू सनातन को चैलेंज कर रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं कि वो दो कौड़ी के किसी निधि फिधि ने कुछ कह कहा दिया मैं सनातन को समाप्त कर दूंगा सनातन को जो समाप्त करने की बात कहता है वो अपनी मां की हत्या की बात करता है सनातन को क्या समाप्त करोगे यार सूरज को किसी और डायरेक्शन में निकालोगे आपके तो नरेटिव कमाल के हैं कहां पैदा हुए थे वो मक्का में धोने को पानी नहीं था और कह रहे हैं वहां से मुगली बिरयानी है चावल पानी में पैदा होता है धोने को नहीं था मुंह ऊपर नीचे दोनों तरफ लेकिन कह रहे हैं कि हम मुगली बिरयानी है ये वहां से आई है हमारा हरा रंग है अरे तरस गए हरा रंग देखने के लिए तुम रेगिस्तान में कह रहे हो हमारा हरा रंग है सब नरेटिव पे चल रहे हैं आप, आप चैलेंज ही नहीं करना चाहते उस बह क्या क्या ज्ञान देते हैं रमजान जो है वो मोहब्बत का भाईचारे का सेक्रीफाइस का फेस्टिवल एग्री एग्री कर रहे हैं हम 16 अगस्त 1946 को भी रमजान था जब मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन शहीद सौराब वर्दी ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल देकर के दस हजार हिंदू महिलाओं की और पुरुषों की हत्या की थी और लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी तब पिताजी नहीं गए थे जब एक महान योद्धा जिसको हम नहीं जानना चाहते उसका नाम हम क्यों लें? क्योंकि उसके सामने शर्मा वर्मा सिंह नहीं लिखा है ऐसी कौमें जिंदा नहीं रहती गोपाल मुखर्जी जिसे दुनिया गोपाल पाठा के नाम से जानती है उसने हथियार उठाया और तबीयत से मारा तो पिताजी पहुंच गए पिताजी पहुंच गए कि नहीं हथियार डाल दो उसने कहा हथियार नहीं डालू कहना मेरी बहनों के साथ रेप हो रहा था जब यहां दस हजार से ज्यादा महिला हिंदू महिलाओं का कत्ल हुआ सड़कों पे हुआ तो गांधी जी आप कहां थे लेकिन ऐसे लोग महान हैं उसने हथियार नहीं डाले हथियार लेके चला गया और जोर जोर से बोला हर बार ये कल चार पांच दिन पुरानी कहानी है जोर जोर से बोला ये घटना को जोर जोर से बोलना पड़ा मुझे मैं तो इस बात से संतुष्ट हो जाता हूं कि सत्ता पे शीर्ष के दो लोगों में से कोई उस बात को दोहरा देता है अभी अभी नंबर दो कलकत्ता में गया और उसने कहा कि सौरा वर्दी ने दस हजार हिंदुओं की हत्या की और योद्धा गोपाल पाठा ने उसका सामना किया मेरी बात चली गई सत्ता में लोगों को सच बात पहुंचाने के लिए चिल्लाओ एमएलए की टिकट की लाइन में मत हो वहां जाओगे तो जी 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 करते करते पांच साल निकल जाएंगे एक बार जन्म मिला है इस जन्म को सार्थक करो ये बिल्डिंग ये पैसा ये रुपया दुनिया में कभी किसी संस्कृति को नहीं बचाता अपने आइडियल ठीक करो राम की कथा सुनो मां से सुनो बहन से सुनो तो राम बनने की कोशिश करो राम के एक चरित्र को तो लोगे दूसरे चरित्र को छोड़ दोगे यह बेईमानी है भवकान राम जब उनको सत्ता मिली और आधे घंटे में कहा कि नहीं अब आप राजा नहीं हैं आप अब आप राजा नहीं रहेंगे आपको बनवास हो रहा है और भाई आपकी हुकूमत उन्होंने एक मिनट नहीं लगाई सवाल नहीं पूछा खड़ा उतारे भरत को दिए और चल दिए जब चल रहे थे तो वो कथावाचक मक्कार क्या कहता है भगवान राम एक तो महिलाएं बेचारी भावुक होती है थोड़ा इमोशनल हो जाती है भगवान राम अकेले और ऐसा सीन बनाता है वो कि महिलाओं को लगता है दूरदर्शन यही डायरेक्ट देख रहा है और वो एक कपड़ा तन पे अभी तो पैंट शर्ट पहन के जाते क्या वो अरे पहने ऐसे जाते थे एक तन पे कपड़ा बाण लिए बाण को भी ऐसे डाइल्यूट करके उसने बताया बाण लिए हुए जंगल में जा रहे थे भगवान राम के पैर में छाले, मां सीता की आंखों में आंसू क्या लाइव टेलीकास्ट है यार? अब महिलाएं भावुक हो गई दुखी हो गई उन्होंने एक और दूसरे रूमाल से दो सौ रुपए निकाले और दे दिए। ये भी ले, ले भाई वो ये नहीं बता रहा है कथावाचक कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान राम ने अपने तन के ऊपर पचास कपड़े नहीं पहने एक कपड़ा पहना और अपने कंधे पर धनुषवाण लिया और यह धनुषवाण चिड़िया का शिकार करने के लिए लिया था भगवान राम को भी पता था कि जंगल में जंगली जानवर और जिहादी मिलेंगे तो इसी से उनका सामना करना है मैं गलत कह रहा हूं वही भगवान राम जो आदर्श के पराकाष्ठा में थे भगवान राम गए उस समुद्र से तीन दिन तक उन्होंने विनती की कि भाई रास्ता देते उसने नहीं दिया जैसे ही बाण चढ़ाया समुद्र अपनी औकात में आया और कहा प्रभु चले जाइए इससे सबक यह मिलता है कि आप भक्ति करें 24 घंटे करें 20 घंटे करें भक्ति करने के लिए भी बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है नहीं भक्ति नहीं हो सकती अगर आप जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं पागल कुत्तों से घिरे हुए हैं जिनका फिलॉसफी ये कहता है कि हम तन सर से जुदा कर देंगे तो बिना मारे काम नहीं चलेगा गीता का पाठ पढ़ाएं राम की कथा करें और वो रख दे पागल कुत्ता गोली खाने से ही ठीक होता है पागल कुत्ते का किसी सब्सिडी से अचार नहीं हो सकता हम पागल कुत्तों को और भारत तो कमाल का देश सुअर पालने पे सब्सिडी और सुअरों को सब्सिडी और एक बार नहीं चार चार बार सब्सिडी है कि लो पालो वो जो दूसरा वाला है पहला वाला सुअर वो भी लोट कीचड़ में रहे हो अट्ठारह उसके भी हैं और ये हमारे बीच में लोट रहे हैं अट्ठारह इनके भी हैं आप लगे हुए हैं कि सरकार ने कहा है हम दो हमारे दो उन्होंने कहा हम दो हमारे दो बाकी तुम गिन लो अब सब्सिडी कितनों को दोगे भाई कितनों को सब्सिडी दोगे फिर उन्हें दवा भी दो आपका काम है सरकार के खजाने में पैसा डाल के सब्सिडी उन्हें दें और जगह 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 वो एक हैदराबाद का जोकर है ऐसे हर शहर में पागल घूम रहे हैं युद्ध की घड़ी है अपनी भूमिका तय करिए ईमानदारी से तय करिए हम में से कोई बचने वाला नहीं है सामने वालों ने 1400 साल पहले तय कर दिया उन कुछ नहीं किया आपके यहां की एक खातून है वो झंडा लेके कुछ आजकल कह रही थी। पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं तो हमास के मानने वाले को क्या कहेंगे क्या कहेंगे सर आपने डेफिनेशन सुविधाओं के हिसाब से बदली है हमास के मानने वाले सारे हरामी हैं में गाली नहीं है ये शब्द कहां से निकला हरामी गाली बनी कहां से बताइए ना कहां से बनी हमास से नहीं बनी मुगलों के हरम से तो मुगलों के हरम की औलादे कौन है क्या कहेंगे उनको आप तो सिम इसमें इतना बुरा पॉलिटिस्ट क्यों हो रहे हैं यार लोग इससे गंदी गंदी गालियां पब्लिक में देते हैं गाली थोड़ी नहीं है ये तो एकेडमिक बात कर रहा हूं मैं हमास के समर्थक यहां एक्स चीफ मिनिस्टर ये नारा लगा रही है कि नहीं हम इसराइल के खिलाफ हैं ये जो ठंडे ठंडे में भारत की सेना और पुलिस के बीच में रह रही है ना हम टिकट देते हैं जा हमास जा एक बार जा वहां जाके समर्थन बता देखा नहीं होगा इतना बड़ा गोला लेकिन भारत में हमारी सब्सिडी से हमारे पैसे से पलेंगे भी और हमास का समर्थन करेंगे लेकिन मेरी विनती आपसे है जैसे मैंने अंकुर शर्मा का नाम लिया इतना ही मेरा काम था सुभाष की मुहिम हमने चलाई कि इस देश में युवाओं को अपना आइकॉन चुनना है तो भाई बहादुर को चुनो तो इंडिया गेट पर छह महीने की मुहिम के बाद 21 फिट ग्रे नाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगी लोग समझते हैं कि हमने मूर्ति लगवाई नहीं हमारा कोई एजेंडा नहीं है मूर्ति का मूर्ति के पीछे एक ही एजेंडा है आपका बच्चा जब इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र को देखेगा तो जरूर उसका इतिहास जानना चाहेगा कि ये कौन आदमी था जिसको 1945 के एक झूठे प्लेन क्रैश में मरा हुआ दिखा दिया और भारत सरकार का रिकॉर्ड जो तीन मूर्ति से निकाल के हमने पब्लिक में नंगा कर दिया लोगों को उस रिकॉर्ड में लिखा है कि नाइनटीन तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हुई है सुभाष को दफन कर दिया लोगों ने क्योंकि वो उनकी राजनीति के आड़े आ रहा था उन्नीस उनतालीस में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मिले पिताजी पहुंच गए सुभाष तुम इस्तीफा दे दो क्योंकि अंग्रेजों से आ गया था तो दलाल ने जाकर के इस्तीफा मांग लिया उनका ये रखो अपना इस्तीफा चला गया पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 में उस आदमी ने रेडियो चलाया टिकट चलाई भारत की आजादी की घोषणा की मंत्रिमंडल बनाया हम उसके साथ नहीं खड़े हुए अंग्रेजों के पिट्ठू गांधी और नेहरू के साथ खड़े हुए हैं हमारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है अब अगर आपने अपना हीरो बदल लिया है और आप इसमें हीरो में यह देखते हैं जैसे प्रदीप भाई आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं ये एक बात है लेकिन ये करेज आप में ही है कि मुफ्ती के मुंह पे, अब्दुल्ला के मुंह पे आप सवाल जब पूछते हैं तो उनको बड़ी गुस्सा आता है इसलिए कि आपको दोनों से कुछ नहीं चाहिए कहते हैं कि मेरा संस्थान जो मुझे देता है मेरे लिए है तुम उन दलालों से वो सवाल पूछो आपको क्या पसंद है अब्दुल्ला साहब आप वो नहीं पूछते ये जो आप कर रहे हैं इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है ये है आने वाली नस्लें कहेंगी कि प्रदीप दत्ता भी तो पैसे लेकर के बड़ा मकान बना सकता था बड़ी कोठी बना सकता था प्रदीप दत्ता भी तो वही सवाल नौकरी कर रहे हैं इतने कंपल्शन हो सकते हैं तब भी सख्त सवाल पूछने की हिम्मत है वो जो फरूख अब्दुल्ला कश्मीर 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 मेरे बाप का है मेरे दादा का है मेरे चचा का है फलाने का है धमाके का है कैसे सत्ता से उतरने के बाद ये दलाल जब सत्ता से उतरते हैं तो दिल्ली में कहता है कि कश्मीर जहन्नुम में जाए जहन्नुम में तुम्हें जाना है कश्मीर को नहीं जाना अभी मुश्किल से इस देश के बयासी करोड़ सनातनियों में से पांच परसेंट लोगों की खोपड़ी फिर घूम गई है इसलिए जब आप अपना योद्धा चुने तो योद्धा के अंदर यह देखें कि इस वक्त यही है हमारे पास डिग्री ना पूछें उनसे भारत राष्ट्र के इतिहास में जब भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो जो लोग अपनी डिग्री और अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं हमारे बेटे के 500 में से 500 नंबर आए पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं दुनिया का इतिहास बताता है जिन लोगों ने अपने बच्चे की डिग्री की चिंता की जिन राष्ट्रों ने उस 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 डिग्री की चिंता की वो कभी राष्ट्र बचाने आगे नहीं आए वर्तमान दौर में यह साबित हो गया सरकार चलाना एक अलग काम है वो इसको कहां बैठाना है किसको निकालना है वो एक अलग लेकिन 10 से 12 काम ऐसे हुए हैं जिससे सनातनी सभ्यता थोड़ी मजबूत हुई है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे नहीं पूछना कि उसने किस जगह से डिग्री ली है डिग्री तो मनमोहन सिंह ने भी इतनी ली थी आपको कहानी पता होगी आप तो पुराने पत्रकार हैं चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे चार महीने की सरकार थी कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन वापस ले गया सरकार गिर गई हम सब लोग एक्टिव जर्नलिस्ट थे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर एक पड़ी के बेंच पड़ी हुई थी भाई पीएम ऑफिस के बाद बेंच पड़ी हुई थी चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया था वो प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति को जमा करने जा रहे थे हम सब वहीं कॉरिडोर में खड़े हुए थे चंद्रशेखर निकले सडनली एक आदमी भागा भागा पीछे गया भागा भागा सर 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 उसने कहा क्या है देखो सर वो मेरे मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए तो ना इस पर प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा इस पर एचआरडी हाँ मिनिस्टर साइन करेगा तुम इतनी देर में आ रहे हो मेरे पास तुम कहाँ थे तो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे चपरासी तो एच हाँ मिनिस्टर को ढूंढा गया एचआर हाँ डी मिनिस्टर मेरे अलीगढ़ के पास के रहने वाले थे वो दूसरे कामों में बिजी बहुत रहते थे ढूंढ ढान के उनको लाया आधे घंटे में टेलीविजन पे खबर चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया है जब वो आए तो एचआर हाँ डी मिनिस्टर का इसको साइन कर दो यार इसको यूजी का चेयर बना चेयरमैन बना दो चंदेखर इस्तीफा देके चले गए जानते हैं कौन महान आदमी था वो उसका नाम था मनमोहन सिंह ऐसा महान विद्वान था हम विद्वान है विद्वान है चाटे उसको रख के तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया है कि हम तुम्हारी विद्वत्ता देख रहे हैं तुम्हारी डिग्री देख रहे हैं आप फौजी से बंदूक की ट्रेनिंग के बारे में पूछोगे पूछोगे तुम पहले बताओ कि बंदूक चलती कैसे है वो आप भी चला के दिखा देगा कैसे चलती है इसलिए आप इतिहास राष्ट्रों का पढ़ें जो ज्यादा कम पढ़ा लिखा होता है वो टू दी पॉइंट बात करता है और बार बार वो मैसेज दे रहा मैं फिर आपसे कह रहा हूं विनती कर रहा हूं मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो भाव में आपको बताना चाहता हूं पागल नहीं है उसको कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है पूरी दुनिया के अंदर उसे एक ही देश नजर आता है प्राइम मिनिस्टर की शपथ देने के बाद वो पहले दुनिया में कहाँ गया लोग आधे लोग क्योंकि लोगों को हवाई जहाज पर घूमने का शौक है गलत बताओ यार ये नेपाल जा रहा है वो नेपाल नहीं गया वो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में अंदर तक गया तीन घंटे बाद निकला तो हम जैसे लोगों ने गया ये गया तो अंदर प्रधानमंत्री का था बाहर तो निकला है ये साधु बन के उसने पूरे देश को मैसेज दिया कि अगर मैं सनातनी हूं मैं हिंदू हूं मैं प्रधानमंत्री हूं वो मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठूंगा वहां मुझे जो काम करना है लेकिन मैं प्रधानमंत्री होकर के मंदिर जाने से नहीं शर्मा रहा तो तुम कौन से संविधान से बंधे हुए हो जो तुम मंदिर जाने से शर्माते हो तिलक लगाने ये मैसेज है आप उसको किसी तरह से ले सकते हैं और एक बार नहीं देता क्योंकि तो हमारे यहां तर्क कुतर्क करने वाले हिंदू बहुत हैं ठेकेदार बहुत हैं यह कैसे हो सकता है इस पर तो हमारा अधिकार है हम मंदिर का तुम्हारा अधिकार कुछ नहीं है जब तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम चूड़ी पहन के बैठे हुए थे तुम बिके हुए थे फिर वो केदारनाथ पहुंच जाता है वो बार बार यही बताता है इस वक्त बनारस में वो अंडमान निकोबार में जहाज लेकर के चार लोगों के साथ में रंगेलियां नहीं मजाने जा रहा ये कौन है ये पुत्र का पुत्र है ये दमाद का दमाद है लेकर के वहां चार चार आर्मी के जहाजों के बीच में रास रासलीलिया करने के लिए नहीं जाता हुआ अगर आपके बीच में कोई आदमी है आपको शक्ल अच्छी नहीं लगती आपको बुरा लगता है यह निजी मामला है लेकिन आपने उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं चुना है और जब आप बदलते हैं तो चीजें बदलती हैं तब ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपके साथ खड़ी हो जाती है चौदह बदला कुछ लोग गप और ये मैं आपको कुरान को कोट कर रहा हूं कुरान मजीद में एक जगह जिक्र लिखा हुआ है साफ साफ लिखा है कि अल्लाह ने ये फरमाया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया भी यानी पब्लिक लाइफ में ज़मीन पर भेज रहा हूं मेरी कुछ हिदायतें हैं इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ आदेश हैं उनका पालन करना अगर तुम मेरे बताए रास्ते से भटके ये कुरान कोट कर रहा हूँ मैं उस अगर भटके तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूँगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे ना कुरान शरीफ ने डेट बताई ना ये बताया कि वो आधे आस्तीन का कुर्ता पहन के आएगा नहीं बताया नहीं बताया।, नहीं बताया और इसलिए नहीं बताया कि जो मुसलमान हैं वो कब मुसलमान होते हैं है? किसने कहा आपसे आपसे पढ़ने के लिए मना करा नमाज किसी ने ये किसने कहा कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है मैंने मैंने वही कहा कि आप गलत कह रहे हैं मेरे भाई मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ आप इमोशनल बात कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ ना डोंट आर्गू सर डोंट 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 टर्ग अल्लाह ने जिस अल्लाह पे उसका यकीन था कान यहाँ नाक यहाँ आँख यहाँ बाल अल्लाह ने बनाया मुझे भी अल्लाह ने बनाया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक ही पावर मान लीजिए अल्लाह पे यकीन है पूरा यकीन है मुसलत ईमान है अल्लाह ने आँख यहां क्यों नहीं लगाई सोच के लगाई होगी तो अल्लाह पागल था वहीं से काट पीट के भेजता वहीं से भेजता वो किसी मन ने किया था ना यहाँ पे आके काट पीट करके वो बंदर की तरह उस तरह की तरह उल्टी सीधी चीज़ें काट ली अपनी और फिर कह रहे हो हम मुसलमान हैं कहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ है लेकिन अलग कैसे होंगे तो कुछ नाक तो काट नहीं सकते थे दोनों ही काट लिए और फिर इसमें आपका दोष है आपने उनसे पहले कैंची बना दी वो तो लेके आए नहीं थे है? तो आप जिम्मेदार हैं उसके बाद कहते हैं अब हम मुसलमान हो गए हमारा मुसलत ईमान है तो तुम्हें ऊपर वाले ने ठीक ठाक भेजा था अल्लाह पाक ने ठीक ठाक भेजा था और अगर तुम ये कहते हो कि हमें उस पर यकीन है और तुम नीचे आके कांट छांट करते हो तो इसका मतलब है तुम्हें उस पर यकीन नहीं है तुम बेईमान हम दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं कि भगवान ने हमें अंधा बनाया लंगड़ा बनाया पांच हाथ बनाया एक हाथ बनाया ये बनाया वो बनाया हमने उसकी जात पे सवाल नहीं उठाया हम जैसे आए वैसे ही अल्लाह के पास वापस जा रहे हैं हमसे ज्यादा मुकलम हम किसी का नहीं है तुम बेईमान हो और तुम्हारे साथ अभी शुरू हुआ है तुम्हारा अंत निकट है ये क्रांति किसी को मारने के लिए नहीं है ये सवाल चौराहे चौराहे लोग पूछ रहे हैं बताओ ये कौन सा इस्लाम है कि इस्लामिक मुल्क में मरते हो कटते हो और फिर काफिर के मुल्क में चले जाते हो इंग्लैंड में क्यों जाते हो जर्मनी में क्यों जाते हो फ्रांस में क्यों जाते हो इस्लामिक मुल्क में तुम अगर महफूज नहीं हो माफ करना मेरे भाई तो तुम ये गंदी अपनी सोच को लेकर के कभी हजारों साल पुराने तक्षशिला को जलाते हो कभी फ्रांस की लाइब्रेरी को जलाते हो तुम ज्ञान के विरोधी हो तुम्हें किताब से डर लगता है तुमने किताब पढ़ ली है उस किताब में भी सारा ही कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है एक आयत जो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी वो आखिरी पे आखिरी वाली आगे है और पीछे इसलिए पता ही नहीं है मैंने पढ़ी हुई है इसलिए आप 2023 में आपके बीच में जो भी योद्धा हो आपको लगता हो इस युद्ध में यही आदमी हमारा बहादुर योद्धा हो सकता है उसके जैन लगा है ठाकुर लगा है हिंदू लगा है मुसलमान लगा है मुझे नहीं पता क्या लगा है और आपने ये काम 2014 में उस वक्त किया जब लोग ये कह रहे थे कि ये तो जाहिल आदमी है इसको पढ़ना क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा पढ़े लेके घूम रहे थे उसने 2002 में जो किया लोग इसको मैं मैं एक मैं एक इतिहास के पॉइंट से कह रहा हूँ लोग जब ये सवाल पूछेंगे हमारे अंदर आज भी कलेजा नहीं है हम जाति के नाम पर बहुत बड़े मक्कार लोग हैं बहुत मक्कार लोग हैं आप सोचिए कि पूरे भारत के मीडिया ने प्रदीप भाई दो कौड़ी के अखबार से लेकर के वो अखबार जो देश का नरेटिव तय करते हैं ये हिम्मत नहीं थी ललित भाई कि हम सच बात लिखें सच का ढंडोरा पीटते हैं और ये है और हम वो हैं हम फलह हम बहुत मक्कार और सस्ते में बिकने वाले लोग हैं हमारा कोई जमीर नहीं है हम अपने सगे भाई को भी धोखा दे देंगे दस रुपए के लिए आपके ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया राज करने में उन्होंने जातियां की होंगी मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा लेकिन उनका चरित्र देखिए इतने लंबे कालखंड के बाद इन्होंने इतने यहां अत्याचार किए सब सब अपनी जगह है रिकॉर्ड है लेकिन उसी ग्रेट ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने 2014 के चुनाव का जब रिजल्ट आया भारत का एक भी अखबार वो दलाल बिका हुआ नहीं बोल पाया जो गार्डियन ने लिखा गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा 2014 में भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है क्यों उनका एडिटोरियल है यहां बड़े बड़े संत घूम रहे हैं अरे ये तो साला दो कौड़ी का आदमी है इसकी जाति का घूमते रहो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम समय पे योद्धा लड़ रहा है तुम उसकी जाति पूछ रहे हो तुम उसका ज्ञान पूछ रहे हो और ये सिलसिला सनातनियों ने अभी शुरू किया है अल्लाह ने कहा मैंने तुमको एक भेजा था तुम मान नहीं रहते मैंने कहा तुमसे कि तमीज से रहना ये इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था ये हारिस देख लेंगे हम उसने कहा इससे पहले देर होगी तो यूपी में भेज दिया इसकी जैकेट में जेब वेब भी है उसकी जेब कपड़े ऐसा उसमें जेब भी नहीं है कोई काम रखते ही नहीं है मैं एक छोटा सा किस्सा बता के कि अपनी बात समाप्त करता हूं अयोध्या में जब वो ढांचा गिर गया तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई आई वॉज इन अयोध्या इन 1992, और वो हंगामा हो गया तो उसके बाद देश में थोड़ा हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो तो ज्ञान व्यापी मंदिर में जो जगह थी जहाँ शृंगार गौरी की पूजा हो रही थी और 94 तक व्यास परिवार उस जगह जहाँ असली नंदी बैठा है वहाँ पूजा चल रही थी तो पूजा रोक दी गई और वो तब से तिरानवे से रुकी हुई थी इसलिए मैंने कहा कि मेरे और आपके भाग में क्या लिखा है और आपसे कौन क्या करवा रहा है आपको अंदाजा नहीं होगा जिस दिन आप बैठेंगे तब लगेगा कि प्रदीप भाई आपसे कुछ करवाने के लिए ही किया गया आप सोचो तिरानवे की घटना लोग भूल गए बनारस के मिडिल क्लास से भी नीचे की कोई क्लास होती होगी उस परिवार की चार महिलाएं ये मैं अपने संबोधनों में बार बार इसलिए बताता हूं कि आप में वो भाव जग जाए चार बहुत ही साधारण परिवार के चार महिलाओं ने विष्णु शंकर जैन से मुलाकात करके कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने की हमें इजाज़त दे दी जाए इतने ही थे बात और ये जहाँ व्यास साहब पूजा कर रहे थे वो दीवार के अंदर था ये दीवार से बाहर था मैंने कहा ना जब आपसे शक्ति कोई काम कराती है तो कैसे आपको माध्यम बनाती है वो विष्णु शंकर जैन गाजियाबाद में रहने वाला आदमी बनारस में मिली उन्होंने पिटीशन लिखवाई पिटीशन दाखिल की और उसके बाद कोर्ट में चला गया एकदम आज के दौर में जिसे शब्द हम कहते हैं ना कि बिल्कुल दो कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं कोई जैन है तो इस वजह से कोई उनका और भी कुछ नहीं और जैनियों को गर्व होना चाहिए कि झारखंड में अपना शिखर ही नहीं सुन सनातन हिंदू सभ्यता का प्रतीक वो नंदी जो 400 साल से उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था कि जो असली मेरा देवता है वो तो कोई और है विष्णु शंकर जैन ने पिटिशन डाली हाई कोर्ट में कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए ये यहां 93 थ्री थक था इलाहाबाद कोर्ट के जज ने ऑर्डर लिख करके के इस पे उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार जमा दे जवाब दे चीफ सेक्रेटरी कागज लेके पहुंचा बाबा के पास क्योंकि क्या है ये कि तो पढ़ो उसमें किसमें लिखा है कि उन्नीस में ये पूजा रोक दी गई थी और आप इस पूजा की इजाज़त दी जाए तो सर कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है तो उसने सिर्फ देखिए आप कही ना वो डिग्री लेके नहीं आया वो लठ लेके आया उसने तय पूछा कि इसमें क्या है बोले इसने उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ ये पूछा है कि इस पर आपको क्या करना है उसने ऑर्डर लिया जेब थी नहीं करा चार्ट टुकड़े करे फेंक दिया और चीफ सेक्रेटरी से बोला उस सरकार ने आदेश दिया था पूजा रोक दी जाए मैं आज मुख्यमंत्री के तौर पे अभी आदेश देता हूं कल से पूजा शुरू हो जाए अब उसकी खीर बनाती कि नहीं कोर्ट में जाएंगे ये है बहुत सारे लोग ये नोटंकी कर रहे हैं दूसरे दिन से पूजा शुरू हो गई पूजा शुरू हुई तो बहनों के अंदर एक नई शक्ति पैदा बोली अब तो हमें व्यास की तो पीठ है वहां पूज वहां जाना है उन्हीं बहनों ने कहा व्यास पीठ के लिए चला गया डिस्ट्रिक्ट जज दलित वो मुझे किसी 24 घंटी ब्राह्मण से बड़ा लगता है डिस्ट्रिक्ट जज दिवाकर दलित उसकी ताकत देखी उन्होंने कहा जज साहब ने कि कल इस जगह को खोल करके इसके सर्वे कराया जाए ये ऑर्डर उस बेचारे ने पास किया वो निकल आए दाढ़ी पजामा कुर्ता वो घेर लिया उन्होंने थोड़ा हंगामा कर दिया क्योंकि ये वो करते रहे थे और सरकारें इसको बर्दाश्त करती रही थी तुमको लगाइए साफ सर्वे नहीं हुआ रिपोर्ट लगाई कि सर्वे नहीं हो सकता दंगा हो जाएगा कहाँ कहाँ की ताकतें कैसे काम करती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुद्ध 24 कैरेट का ब्राह्मण क्या बेहतरीन इंसान है हम पर्सनली इसको जानते इसलिए करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रवि साहब ने तलब किया और उनको एक लाइन का आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आपकी जितनी शक्ति प्रशासन की है उसमें शूटेड साइड ऑर्डर भी अगर है तो कल किसी भी कीमत पर ये 25 लोग उसके सर्वे के लिए अंदर जाने चाहिए बिना रुकावट के ये सर्वे कल होना चाहिए ऑर्डर हो गया विष्णु अंदर चले गए अब वहां बहुत सारे चाटुकार भी थे उन 25 लोगों में दुकानें थी तो कोई कैलेंडर देख रहा था कोई दीवार देख रहा था तो विष्णु की निगाह पड़ी कि कुछ लोग एक ऐसे करके गोल सा है उसके तरफ पानी है तो उनका ये क्या है बोले ये वजू करने का है तो विष्णु ने उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि जरा इसका पानी कम करा दीजिएगा तो अल्लाह के बंदे क्या बोले देखिए अब पानी कम करा देंगे ना तो मछलियां मर जाएंगी जो साले जिंदा इंसान को मार रहे हैं उन्हें मछलियों की चिंता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनसे क्या कहता है कोविड की वजह से हमने काफी सारी ऑक्सीजन इकट्ठी की हुई है हम मरने नहीं देंगे ये सारे शब्द मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये कोई शक्ति है नॉर्मल सरकार में आपको लगता है पानी कम किया विष्णु के मुंह से निकला बाबा मिल गए ये मैं इसलिए वर्बेटम घटना सुना रहा हूं कि ये हमारे दौर में है और हम इस बात से खुश हैं कि जिस यात्रा पे हम निकले हैं उसमें ऐसे हजारों लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं उनसे हम सिर्फ यही कहते हैं यार कोई तकलीफ होगी हमको बताना हम कुछ कर सकते हो तो करेंगे कभी हाथ जोड़ के भीख मांग लेते हैं कुछ लोगों से इनको पांच रुपये दे देना इनको दस रुपये दे देना इससे ज्यादा हम नहीं करते जैसे ही यह हुआ किसी बड़े अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता विष्णु के कान में कहा विष्णु जब तक लोग बाहर निकलें तुम यहां से निकलो कोर्ट जाओ बस विष्णु डेढ़ से पौने दो किलोमीटर उस मई की धूप में भागता और उनके पिताजी सत्तर अस्सी साल के हैं हरिशंकर जैन पिता पुत्र ने आज तक कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं लड़ा है दोनों लोग पिछले चालीस साल से सनातन के मुकदमे लड़ रहे हैं सिर्फ शुद्ध सुनाते एक पैसा नहीं लिया उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद पाई मुसलमानों ने उनके बाप को कहा हम पांच करोड़ रुपया आपको पर पेशी देंगे राम मंदिर पे आप हमारा मुकदमा लड़ लिए पांच सौ करोड़ भी दोगे तब भी नहीं लड़ूंगा और सोचिए विष्णु को कहा कि तुम जल्दी से निकलो यहां से कोर्ट जाओ विष्णु समझ गया डेढ़ से पौने दो किलोमीटर उस गर्मी में विष्णु भागता हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने दो लाइन लिखी कि एज पर द आई पी सी सो एंड सो धारा इस पूरे मामले में एक वाइटल एविडेंस मिला है एज पर आई पी सी आपसे मैं आदेश चाहता हूं कि इसे तत्काल प्रोटेक्ट करा जाए दी और दिवाकर जी ने मोहर लगाई और मोहर लगाने के बाद ऑर्डर क्या पास किया कि ये जो पूरा इलाका है जहां भाषा बता रहा हूं जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है इसे तत्काल सील कर दिया जाए जज ने अपने ऑर्डर में लाइन दे दी ये पजामे वाले बनारस से निकले सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ये घटना आपके आंखों के सामने की है मैं उसकी निटिकिटीज जानता हूं कि पार्ट टू इसलिए बता रहा हूं ये सब चीजें विश्वास पैदा करती हैं सीधे दिल्ली चीफ जस्टिस की कोर्ट में और उस कोर्ट में गए जो जिसको माना जाता है कि थोड़ा एंटी है उसको दी वो भी बहुत कमाल का आदमी था कौन से बाबा उसके सर पर बैठे थे भगवान जाने उसने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा फिर उसने कहा कि देखिए आपको नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है आपको अंदर जाने का भी अधिकार है लेकिन जहाँ बाबा विश्वनाथ है वो तो सीली रहेगा इसे कहता हूँ कि वो अदर शक्ति इस समय लोगों को चुन रही है वो अपना काम करा लेगी अगर जैन समाज के कुछ लोगों को ये लगा कि हम इतने ख़तरनाक आदमी को बुला रहे हैं नॉन वेज होते हुए भी तो ये आपकी बुद्धि में आया होगा मैंने विशाल से कहा कि जैनों को ज़्यादा समझाना है कि कपड़ा नहीं बांधना है अब अब कपड़ा उतार के मारना है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना हमने आज तक इतिहास में किसी निर्दोष की जान नहीं ली और जो अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण ज़्यादा कहते हैं मेरे लिए दो ब्राह्मण हैं ऐसे जिनको मैं हमेशा कोट करता हूँ एक रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण महाविद्वान महाविद्वान राइट और रावण को हमने नहीं देखा सीता का हरण करते हुए हमने देखा नहीं देखा ना लेकिन हमारी आस्थाओं में हमारी माँ ने दादी ने ये कहानी सुनाते सुनाते आज 2023 तक हम सुनते हैं कि रावण ने ये किया ये किया ये किया और सीता का अपहरण किया ये किया एक ब्राह्मण होते हुए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई उसने उस समय की मर्यादाओं की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अतिक्रमण करते हुए एक की पत्नी का अपहरण किया और उसे ले गया ठीक राम आज की भाषा के हिसाब से क्षत्रिय हैं राम उस रावण से वहां गए समुद्र पार किया युद्ध करा उसका अंत किया और सीता को वापस लेके चले आए फिर ये एक कहानी है राइट और एक दूसरा ब्राह्मण है जो मेरा आदर्श है जिसको हम परशुराम कहते हैं परशुराम भी ब्राह्मण है है कि नहीं है लेकिन परशुराम आज भी हजारों साल पहले वो भी घटना मुझे याद नहीं है ना पता है ना देखी है ना कुछ पता मुझे कि क्या सच है क्या लेकिन ये हमारी आस्थाओं में चली आ रही है कि रावण ने ऐसा किया था राइट right? रावण अपने कृत्य के कारण 2023 के भारत में उस कारण चौराहे पे जलाया जाता है जबकि ब्राह्मण है और परशुराम अपने कृत्य के कारण आज मंदिर में पूजे जाते हैं दोनों ब्राह्मण हैं तीन सा क, तीसरा कंट्रडिक्शन परशुराम को मानने वाले वो ब्राह्मण जो शुद्ध ब्राह्मण है मैं वो ब्राह्मण नहीं कर रहा जो मां के पेट से पैदा हो गए इधर-धर घूमते फिर रहे हैं मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं वो ब्राह्मण जब मंदिर में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करता है पूजा करता है वो ब्राह्मण उस छत्री जिसने एक ब्राह्मण का वध किया था ये आरोप 2023 में भी राम पे कोई ये नहीं लगाता है कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था राम ने रावण रूपी उस गलत कृत्य का वध किया था रावण का वध किया था ब्राह्मण का वध नहीं किया था कुछ दलाल इधर उधर पका करके अपनी दुकान चलाते हो मैं उनकी बात नहीं कर रहा उस कहानी के तहत आज भी देखो कि राम क्षत्रिय है लेकिन मंदिर में बैठने वाला पुजारी उस राम की पूजा कर रहा है यह नहीं कहता है कि इस राम छत्री ने मेरे ब्राह्मण को मारा था इसकी पूजा नहीं करूंगा और तीसरा कंट्राडिक्शन देखिए मंदिर में पूजा कराने वाला ब्राह्मण मिश्रा जी दीक्षित साहब शर्मा जी की लिखी रामायण नहीं एक दलित बाल्मीकि की, की लिखी रामायण पढ़ा है कौन से आप ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं कौन से आप क्षत्रियवाद की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि मां के पेट से ना ब्राह्मण पैदा होता है ना छत्री ना दलित अपने कर्मों से बनता है बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी चिंता बड़ी चिंता बड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने यह करा यह करा रहे भाई बाबा साहब अंबेडकर दलित थे थे बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी कौन थी ब्राह्मण थी तो ब्राह्मणों के मुंह में दही जम जाता है बोलते वक्त ये दो दलित थे भारत की राजनीति के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और दूसरा कौन था जानते हैं उसको ये कोई दलित ठेकेदार नहीं बताता दूसरा विद्वान था जिसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल जोगिंदर नाथ मंडल को जाहिल मुसलमानों ने टुकड़े के जोर पे, मार काट के जोर पे एक टुकड़ा तो ले लिया था पाकिस्तान का लेकिन उसे चलाने के लिए उन जाहिलों के पास पढ़ा लिखा आदमी नहीं था तो जोगिंदर नाथ मंडल को लेके गए कि आप चलिए दलित थे वो, वो गए संविधान लिखा पहले कानून मंत्री पाकिस्तान के वो बने और उसी पाकिस्तान में दलित लड़कियों के साथ सरे आम रेप और मर्डर होता था जैसे आज सिंध में हर दिन हो रहा है जोगिंद्रनाथ मंडल ने जब यह कहा कि मेरे आने के बाद भी जिना साहब मुझे इस भरोसे पर लाए थे कि यहां आपका मान सम्मान होगा यहां मेरी जाति की बेटियों की रोज अस्मिता लूटी जाती है और सरकार कुछ नहीं करती दो टके सा जवाब दिया आपको जिना साहब लाए थे अब वो रहे नहीं आप चले जाइए कोई दलित नेता पूरी दुनिया का बता सकता है जोगिंद्रनाथ मंडल भारत आए कहां मर गए कहां कोई जानकारी है उनके बारे में कोई उनकी मॉडल है कहीं कोई मिलते इसे कहते हैं आप पे जो पावरफुल पॉइंट है उसे नहीं रखते कि भाई ब्राह्मणों ने अपनी बेटी को बी आर अंबेडकर को दब दिया तो वो दलित को नहीं दे रहे थे एक ज्ञानी को दे रहे थे बी आर अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता और बी आर अंबेडकर को जब राजनीतिक तौर पे आप देखते हैं तो आप भ्रमित होते हैं बी आर अम्बेड हजारों किताबों का रेफरेंस आप देते हैं बी आर अंबेडकर ने किताब लिखी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया यह किताब कोई दलाल हिंदूवादी नहीं बताएगा क्योंकि उनका कद छोटा हो जाएगा उस किताब के 18 पॉइंट हैं हर सभा में कहता हूं यह पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा अगर बहादुर बी आर अंबेडकर में यह कहने की हिम्मत है तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है उस किताब में बी आर अंबेडकर ने क्या कहा है यह जरा उन्हें बताएं जो कहते हैं जय मीम जय भीम उन्हें बताएं ये अंबेडकर ने लिखा है ये किसी ब्राह्मण ने किसी ठाकुर ने नहीं लिखा है पेज नंबर वन भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए पेज नंबर वन टू थ्री मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद जह, छेड़ सकते हैं पेज नंबर टू नाइनटी वन मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे पेज नंबर तीन सौ तीन मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से भी ऊपर मानते हैं पेज नंबर 294। नाइन्टी बुरके की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है पेज नंबर 231। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं पेज नंबर टू डबल थ्री टू थ्री फोर मुसलमान देशभक्त नहीं होते थ्री थ्री फोर किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किसी ठेकेदार ने लिखी दुकान चला रहे हिंदुत्व के नाम पे ये कहने की हिम्मत है अंबेडकर कह के चला गया इसलिए जो रूबल भाई कह रहे थे इस उम्र में जिस उम्र रूबल की उम्र है मात्र 20-21 साल की उम्र है ये सुन सुन के बिगड़ गए हैं और भगवान करे इस देश का हर युवा बिगड़ जाए मैं ये चाहता हूं ये जो कह रहे हैं ना उससे में ठेकेदार जब भारत में एक चेतना का हल्का सा हल्का सा विस्फोट हो रहा है तो दलाल आपको रोज गाली देते हैं रोज नहीं नहीं चालीस हजार साल पुराना हमारा डीएनए है इस्लाम के बगैर हिंदू तो अधूरा है अरे तुमको किसने कहा है जिस विषय पर नहीं जानते उसमें बोलो यार तुमको किसने कहा है कि तुम इतनी बड़ी भीड़ को भ्रमित कर रहे हो क्योंकि तुमने तो यही मूर्ख बनाया है ना भारत माता की जय हम टिकट दिलाएंगे हम तुम्हें गवर्नर बनवाएंगे हम तुम्हें बस यही काम करने के लिए बनाया था तुमने जिन लोगों ने इसकी नींव रखी थी वो महान लोग थे वो पूजनीय लोग थे लेकिन तुम्हारे स्वार्थों ने उनकी विरासत को चौराहे पर बेच दिया है इसलिए विष्णु शंकर जैन है तुम्हारे संगठन से उसका संबंध नहीं है तो जब उसने खोज लिया तो क्यों ये बयान दिया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है क्यों बयान दिया तुमने तुमसे किसने कहा दलालो कि तुम ढूंढो जो मर्द हैं तुम्हारे बीच में तुम उनको नुपंसक बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है तुम्हें अपनी दुकान चलानी है, हमको अपनी दुकान नहीं चलानी हम कल मरते हो अभी चले जाए हमको कोई गम नहीं है गुस्सा इस बात के लिए है आप कोई संगठन बनाते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है कोई मतलब होता है जब पूरा दुनिया आपकी तरफ देख रही है पूरी दुनिया के अंदर आपको लेकर के एक नई सोच पैदा हो रही है तब आप अपनी दुकान बचाने के लिए बकवास करते घूम रहे हो चौराहे चौराहे चार लोग बैठे ऐसा नहीं करिए वो देखिए ऐसा है वो ऐसा है ऊपर फाड़ में गए तुम यार ना मैं बड़ा हूं ना तुम बड़े हो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई ताली बजाएगा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चे जब भी होंगे मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा ये नहीं कहेगा कि किसी स्वार्थ के लिए झूठ बोला था ये जीवन इतनी लंबी नौकरी छोड़ करके झूठ बोलने के लिए नहीं आया आप भी जानते हैं कि किसी पार्टी का एमपी बनना पांच मिनट का काम है। पांच मिनट का काम है 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 मिनट का चीज आपको बड़ी लगती हमको पता है कैसे मिलती है। ये नहीं है हमारी में हम किसी के विरोध में नहीं हमारा किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं है लेकिन इस मुहिम को चोट मत पहुंचाओ क्योंकि तुम्हारे पास मूर्खों की भीड़ है तुम सत्ताओं को निर्धारित मत करो सत्ता पे जो बैठा है उसको पता है कब गांगुली जी से फैसला लेना है और कब उन्हें राजसभा देनी उसको पता है ज्ञान मत बांटो तुम धारा 370 कैसे उठी कश्मीर के लोगों को नहीं पता है पता है आपको तो पता होगी मैं तो हर भाषण में बोल चुका हूं और अगर मेरे आदमी ने अच्छा काम किया है मैं ये मानता हूं सार्वजनिक मंचों से चिल्ला चिल्ला के उसकी तारीफ कर किसी को कोई नफा नुकसान नजर में आता हो ये रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोल रहा आपको दो घंटे बाद ये रिकॉर्ड करना था क्योंकि आपको दुकान चलानी है इसकी मैं दुकान चलाने के लिए नहीं आया इसको बंद करिए मैं इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी से मुखाते हूँ आप अपनी दुकान चलाइए किसी की हुआ की बाइट लीजिए वो दे देगी आपको बाइट तीन सौ सत्तर ये भारत की पार्लियामेंट में पहली घटना है इस बोल दिया आपको समझ में नहीं आता क्या आप सोचो कि जब आपकी ताकत पीछे होती है और आपके एजेंडे ये होते हैं कि आप ने सरकार चुनी क्यों दो रुपए किलो आलू के लिए आपके जो गहरे जख्म है हजारों साल पहले उसमें से किसी एक जख्म पे हल्का सा मरहम लगाने के लिए आपने यही सोच के चुनी है या कुछ और सोच के चुनी है आइंस्टाइन को क्यों नहीं चुना इस पागल आदमी को क्यों चुन लिया भाई इसे तो कुछ नहीं पता इस आदमी ने भारतीय पार्लियामेंट्री इतिहास में ऐसा काम हुआ जो किसी की समझ में नहीं आ रहा ये इतने बहादुर लोग ये बहादुरी पैदा क्यों होती है ये बहादुरी का इनपुट उनमें क्यों आया ये रिस्क लेने की उनमें हिम्मत क्यों हुई क्योंकि उनको पता था कि जिन्होंने मुझे चुना है उन्होंने सब्सिडी लेने के लिए नहीं चुना है सॉरी तब वो वो काम कर बैठते हैं जो नियमों के अंदर भी होता है लेकिन प्रायोरिटी तय होती है 370 चुनने जिस दिन आई है भारत के उस सदन में लाया जिस सदन के अंदर बहुमति नहीं था कुछ उतावले हिंदू कुछ जातिवादी विरोधी मोदी के अरे झूठ बोल रहा है ये गुजरात हमारे हिंदू ठेकेदार अपर अपर कास्ट के क्योंकि दुकान उनकी बड़ी जली हुई है ना नहीं ये देखो झूठ बोल रहा है यार अब कह देगा देखो साहब ये तो नहीं मेरी मेजोरिटी नहीं थी ये शुरू हो गया और मैंने कहा थोड़ी देर रुको तो यार पागल थोड़ी नहीं पंद्रह साल की ट्रेनिंग लेके आया आधे घंटे बाद बिल पास हो गया जिस सभा में बहुमत नहीं उस सभा में पास हो गया वो जो आलू से सोना बना रहे थे जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि वर्कर कहाँ है तो फैक्ट्री का एक भी वर्कर नहीं मिला उन्हें पता ही नहीं कि फिर ये वर्कर तो कहीं और चले गए हैं तीन महीने पहले उसने एक कमेटी बनाई पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लोगों को क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे आते हैं कि रिक्शा चलाते चलाते एम बन जाते हैं बेचारे तो अब उनको पता ही नहीं क्या करें उन्होंने फव्वारा नहीं देखा तो एक प्रावधान बना रखा है कि नए नए एम को विदेश भेजो ताकि वहाँ कहीं कोई पानी की व्यवस्था देखें कोई सड़कों की व्यवस्था देखें तो वो जो नंबर टू है जो 19 के बाद अला ने भेजा है उसने एक तीन महीने पहले एक पूरे लोगों का डेलीगेशन बनाया और उनसे कहा कि आप लोगों को नीदरलैंड जाना है वहाँ पानी की व्यवस्था देखनी है उसमें से किसी समझदार आदमी ने कहा कि इस डेलीगेशन में ज़्यादातर लोग विपक्ष के हैं इसमें बीजेपी के कम लोग हैं तो बिल्कुल वर्बेटम बता रहा हूँ आपको उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास पहला डेलीगेशन गया देखिए मैंने कहा कि राजा को राज आदर्शवाद नहीं है ये ये आदर्शवाद पंडित का काम है मर्यादा बनाने का काम उस उस मंदिर में जो बैठा है उसका काम है राजा का, का काम नहीं है राजा को अपने राष्ट्र बचाने के लिए अगर किसी को जहर देना पड़े और उसके मर जाने से राष्ट्र बचता है तो फैल मार देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है दुनिया का नियम है ये कोई हम नहीं नहीं कह रहे उस आदमी ने मैंने वही कहा कि ये डिग्री लेके नहीं आए ये दूसरी डिग्री लेके आए इसने भेजा और प्रोग्राम सेट किया पाँच दिन पहले वो नीदरलैंड में थे और जिस दिन बिल आया, उस दिन ये भी तय कर लिया कि किसी मक्कार ने अगर कुछ दाएं बाएं लूप होल कर दी तो नीदरलैंड से कोई फ्लाइट दिल्ली आती नहीं थी बिल लाया मजदूर नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे ये आलू लेके हाथ में सोना बनाने के लिए खड़े थे बिल पास हो गया शाम तक लोगों को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या सो <laughs> so, मैंने ये कहा और फिर 303 वाले सदन में तो वैसे ही होना था बिल पास हो गया ऐसे ही सत्ताएं है चलती हैं सत्ता चाणक्य नीति से चलती है सनातनी हिंदू अपने बेटी बेटी को चाणक्य बनाओ चाटुकार मत बनाओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच